गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो इवन लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो लेट मी नो इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। I have shared my screen. Is it visible to all of you? And am I audible to all of you without any noise, background noise? Okay, great, great. So, kya hal? Ya phir hal behal? Internals has been announced. Good, good. ओके, सो चलिए, तो वेट तो नहीं करते हैं, जितने लोग हैं उससे ही चालू करते हैं। सो जो कल हमने जो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था वाइल रिसीविंग बंच ऑफ बिट्स और आई मे से नॉट बंच ऑफ बिट्स बंच ऑफ सिग्नल्स नॉट सिग्नल्स बंच ऑफ सिंबल्स, तो एक नया एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ था। सो कैन एनीवन टेल मी कि वो प्रॉब्लम क्या था? सो ईशा, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो कि वो प्रॉब्लम क्या हमने कल आइडेंटिफाई किया था। ओके ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्नेहा इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो कि प्रॉब्लम क्या था। हाँ ओके, तो इंटरसिंबल इंटरफेरेंस क्यों हो रहा था? ओके, सो यू कैन म्यूट योरसेल्फ। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इंस्टेंट में हम लोग सिग्नल को सैंपल करेंगे, जिसके हिसाब से हम लोग फिर एस्टिमेट कर पाएंगे कि कौन सा सिंबल ट्रांसमिट हुआ है, मगर अगर मैं बात कर रहा हूँ इन द एनवायरनमेंट ऑफ नॉइज एज वेल एज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, सो इट मे हैपन कि वी कैन डिकोड सिंबल विथ सम अदर सिंबल, तो इसकी वजह से जो हमारा बीट एरर रेट होगा वो बढ़ जाएगा। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आई थिंक कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम था कि सर जो स्पिल ओवर है ना, वो स्पिल ओवर को हम लोग नहीं समझ पाए, कि अगर आप बोल रहे हो स्पिल ओवर तो वो स्पिल ओवर क्या होता है, तो वो हम समझ ही नहीं पाए हैं। तो आई थिंक चलिए मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आपको कि अगर स्पिल ओवर की मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगा। आई थिंक उसको थोड़ा बहुत आप देख सकते हो सेम एज अलियासिंग, बट मुझे ये बताओ अलियासिंग कौन से डोमेन में हो रहा था? अलियासिंग कौन से डोमेन में हो रहा था? इफ आई टॉक अबाउट अलियासिंग, तो अलियासिंग कौन से डोमेन में होता है? एग्जैक्टली अलियासिंग होता है इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। उससे प्रॉब्लम क्या होती है? अलियासिंग से प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम पास करेंगे थ्रू लो पास फिल्टर, और डिस्टॉर्शन से अच्छा है अभिषेक हम क्या बोल सकते हैं कि वी कांट रिकंस्ट्रक्ट आवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। एग्जैक्टली ईशा, वी कांट रिकवर बैक आवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल विच ऑलरेडी वी हैव ट्रांसमिटेड, और सॉरी नॉट ट्रांसमिटेड, वी हैव ऑलरेडी सैम्पल्ड। तो सैम्पलिंग के लिए जो कंडीशन था वो ये था कि योर डिस्टॉर्शन नॉट डिस्टॉर्शन ओवरलैपिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रम इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन शुड नॉट बी देयर। मगर अगर मैं बात कर रहा हूँ ये व्हाट आई कैन टेल यू, लाइक इफ आई टॉक अबाउट से ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग कौन से डोमेन में हो रहा है बेटा? नॉट ओवरलैपिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं? स्पिल ओवर। यस, स्पिल ओवर। तो जो स्पिल ओवर है व्हाट डू यू थिंक ये कौन से डोमेन में हो रहा है? स्पिल ओवर जो स्पिल ओवर हो रहा है
ऑफ सिंबल्स विच वी आर रिसीविंग साइमल्टेनियसली। तो मुझे बताओ जो स्पिल ओवर हो रहा है वो कौन से डोमेन में हो रहा है? एग्जैक्टली करेक्ट, जो स्पिल ओवर हो रहा है ना वो टाइम डोमेन में हो रहा है। सो बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट से स्पिल ओवर, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्पिल ओवर क्या है, तो देखिए मैं क्या यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो स्पिल ओवर है उसका स्पिल ओवर जो है, एक तो अल्टीमेटली वो है क्या और इसको हम निकालेंगे कैसे, और अगर निकालेंगे कैसे ये सीख लिया आज आपने तो हमारे टॉपिक खत्म होगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्पिल ओवर क्या होता है, सो स्पिल ओवर ऑफ स्पिल ओवर ऑफ सिंबल्स इन अ टाइम डोमेन, स्पिल ओवर ऑफ सिंबल्स इन अ टाइम डोमेन। बेटा आई हैव डिसाइडेड समथिंग, लाइक व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि जो प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी का जो रिव्यूजन वाला पोर्शन है, सो द थिंग इज कि जो बेसिक ऑफ होता है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आता है वहाँ पे जॉइंट इवेंट आता है, इवेंट होता है, सैम्पल स्पेस होता है, इवेंट होता है, इवेंट के बाद वी में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन वी हैव इंडिपेंडेंट इवेंट, यूनियन ऑफ इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो आई थिंक ये सभी के मैं ना वीडियोज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा बिफोर द नेक्स्ट वीक, सो दैट अगर हमें नेक्स्ट वीक डायरेक्टली चालू कर रहा हूँ विद रैंडम वेरिएबल, सो इट वुड बी ईजियर फॉर इवन अस एंड इवन वी कैन सेव सम टाइम। तो क्या बेटा ये पॉसिबल होगा अगर ऐसा करें तो, क्या ये फिजिबल होगा? जो स्टार्टिंग का पोर्शन है प्रोबेबिलिटी का, जो मैं जनरली क्लास में ही करवाता हूँ, क्योंकि हाँ दिक्कत क्या हो गया है कि मैंने सैम्पलिंग भी आपको पढ़ा दिया है, सैम्पलिंग के लिए मैंने ऑलमोस्ट 3-4 दिन लिए थे, तो वो जनरली होता है पार्ट ऑफ सिग्नल्स। तो कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी के लिए मैं जो इनिशियल पोर्शन है वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डेड, जैसे अभी मिल ये जो हो रहा है ना वैसे ही। तो क्या वो चलेगा आप सबको? वो रिविजन करके आना पड़ेगा आपको इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मैं चालू करूंगा डायरेक्टली फ्रॉम रैंडम वेरिएबल। तो ये जो वीकेंड है सैटरडे संडे, वो आपको टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने का उसको, 2-3 वीडियो होंगे, 1-1 घंटे के, तो आई वैसे मैक्सिमम 3 घंटे का वीडियो होगा, 2-3 घंटे का वीडियो होगा, है ना? चलिए हाँ, तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पिल ओवर का। तो अगर मैं स्पिल ओवर का बात कर रहा हूँ ना, तो अल्टीमेटली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ स्पिल ओवर, अगर मैं एक यहाँ पे एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, तो ये पहले मुझे ये बताओ कि जो स्पिल ओवर का प्रॉब्लम जो होगा वो कब होगा, जो स्पिल ओवर का प्रॉब्लम होगा ये कब होगा? तो जो प्रैक्टिकल केस होगा तब होगा, जब हम प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं तब ये स्पिल ओवर होगा। सो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सपोज हमने क्या किया है, हमने एक सिंबल ट्रांसमिट किया, और जो सिंबल ट्रांसमिट किया है वो ट्रांसमिट किया है, लेट अस कंसीडर कि उसका जो शेप है ना वो ऐसा हो गया, जो हमने सिंबल ट्रांसमिट किया था, और इवन जो सिंबल ट्रांसमिट किया है उसको हम पास करेंगे थ्रू मैच फिल्टर, और उसके बाद जो है ना सिंबल ऐसा कुछ हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सिंबल था, तो ये सिंबल था तो हम इसको, ये जो सिंबल होगा उसको हम कब करेंगे सैंपल, ये जो सिंबल है उसको हम सैंपल कब करेंगे? तो आपको बखूबी पता है कि इसको हम सैंपल करेंगे कब, एट माइनस टी इंस्टेंट, बोलिए हाँ कि ना? ये जो सिंबल है उसको हम सैंपल करेंगे एट माइनस टी इंस्टेंट, बोलिए हाँ कि ना? क्या समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो? इसको हम सैंपल करेंगे एट माइनस टी, ओके। तो अभी तो हम नहीं बोल रहे हैं कि क्या सैंपल करेंगे क्या नहीं करेंगे, नाउ द थिंग इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, कि अब क्या हो रहा है कि सपोज हमारा जो सेकंड पल्स था जो जीरो पे आ रहा था, इट इज समथिंग लाइक दिस, यानी कि शेप तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बट द प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है वो ये हो गया है कि अब आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि देखिए यहाँ पे जब आप इसको माइनस टी इंस्टेंट पे सैंपल करोगे, जब आप, अब मुझे ये बताओ ये कौन सा बिट होगा, ये कौन सा सिंबल होगा, ये जो हमें ये कौन मिला है, ये हमें वाई ऑफ टी मिला है, एम आई करेक्ट? ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं वाई ऑफ टी, आई एम आई करेक्ट?
हाँ एक बार सोच के बताओ, क्या ये वाई ऑफ टी है, यानी कि हमने कोई एक पल्स ट्रांसमिट किया, पल्स सिग्नल्स, पल्स जो है वो पल्स चैनल में से गया, फिर नॉइज ऐड हुआ। यहाँ नॉइज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, नॉइज को जो है वो तो हम एलिमिनेट कर देंगे बाय चूजिंग द पल्स का शेप की जहाँ उसका एनर्जी ज्यादा हो। बोलिए हाँ कि ना। तो जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो ड्रॉ कर रहा हूँ मेरा रिसीव्ड सिम्बॉल विदाउट नॉइज। क्या ये बात क्लियर है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉइज के लिए हमने ऑलरेडी अलग से बात कर लिया, यानी उसका काम तो खत्म हो गया है, बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ किसके बारे में, सिम्बॉल्स विच आर बींग रिसीव्ड साइमल्टेनियसली और उसका जो टाइम डोमेन में जो स्पिल ओवर हो रहा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो बताइए ये जो आपका क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सबको? मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ तो मुझे बताओ ये जो सिम्बॉल है, वॉट डू यू थिंक, ये जो हमें आउटपुट मिला है, ये जो आपको आउटपुट मिला है वो आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो आपको वाई ऑफ टी कहाँ मिलेगा? ये वाई ऑफ टी जो है वो किसका आउटपुट है? जो वाई ऑफ टी है वो किसका आउटपुट है आफ्टर सैंपलिंग? नहीं बेटा, सैंपलिंग के बाद तो वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एन हो जाएगा ना। यहाँ एग्जैक्टली ईशा, जो वाई ऑफ टी है वो तो हाँ उसके जस्ट पहले, तो वाई ऑफ टी है तो सबसे पहले तो जो वाई ऑफ टी है इट इज वॉट, जो वाई ऑफ टी है वो क्या है बेटा, वाई ऑफ टी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपका आउटपुट ऑफ मैच फिल्टर है। बराबर बोल रहा हूं मैं, ये आपका आउटपुट ऑफ मैच फिल्टर है। अगर ये आपको क्लियर है तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपका जो सिंबल आपको जो मिल रहा है, ये जो शेप आपको मिल रहा है, ये इक्विवेलेंट टू कौन सा बीट होगा? ये इक्विवेलेंट टू कौन सा बीट होगा, व्हाट डू यू थिंक? जीरोथ? ओके ओके ओके, आई गॉट यू। क्या आप लोग कहां कंफ्यूज हो रहे हो? आई थिंक आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे हो कि हाँ अगर जीरोथ है, अगर जीरोथ है तो उसको हम रिसीव करेंगे एट टी, अगर जीरोथ है तो हम उसको रिसीव करेंगे एट टी। तो मुझे बताओ ना, अभी ये माइनस टू है तो कौन सा होगा? सिंपल है आपके लिए कमेंट करना, व्हाट डू यू थिंक, अगर ये माइनस टी पे हम इसको सैंपल कर रहे हैं तो ये कौन सा सिंबल? एग्जैक्टली माइनस टू। तो क्या मैं इसको ए माइनस टू सिंबल बोल सकता हूं? देख लो, सोच के बताओ एक बार, क्या मैं ये सिंबल है मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको डिटेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं इसको सैंपल करूंगा तो मैं इंफॉर्मेशन अबाउट ए माइनस टू निकालूंगा? बोलिए हाँ कि ना। क्या सबको ये समझ में आया? उसके बाद अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो ये जब इसको मैं सैंपल करेगा एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो इससे मैं जो ए माइनस वन पे जो सिंबल ट्रांसमिट हुआ था मैं उसका इंफॉर्मेशन निकालूंगा? बोलिए हाँ कि ना। हाँ डेफिनेटली, मैंने अभी सैंपल नहीं किया है, मैंने इसको सैंपल नहीं किया है, मगर जब मैं इसको सैंपल करूंगा तो मुझे जो एस्टिमेशन मिलेगा वो किसका मिलेगा बेटा? ऑब्वियसली जो मैंने माइनस वन पे ट्रांसमिट किया था सिंबल उसका मिलेगा। क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग बेटा? हाँ, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अब क्या होगा, जो जीरोथ सिंबल होगा तो जीरोथ सिंबल को हमें पता है कि हम रिसीव करेंगे या हम उसको डिटेक्ट करेंगे जीरोथ सिंबल को कहां पे? एट कैपिटल टी, राइट राइट। तो ये जो है वो क्या है, ये हमारे सैंपलिंग इंस्टेंट्स हैं, ये हमारे सैंपलिंग इंस्टेंट्स हैं, और जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा सिंबल है जो हम ट्रांसमिट किया है उसको हम रिसीव कर रहे हैं। बोले हाँ कि ना। बट पंगा ये हो रहा है, आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, अभी ये जो होगा वो होगा आपका पल्स, ये जो होगा आपका पल्स विच इज इक्विवेलेंट टू आपका ए नॉट। बोले हाँ कि ना। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कट दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्लियर कट, कि अगर हम सपोज कोई एक सिंबल को सैंपल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो ए नॉट है उसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस सैंपल था आपको उसका भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मिल रहा है। बोलिए हाँ कि ना। ये स्पिल ओवर है कि आपका जो पल्स था वो मे बी बिकॉज ऑफ आपका चैनल या तो फिर फिल्टरिंग के हिसाब से वो जो है स्पिल ओवर हो गया है। स्पिल ओवर यानी कि वो जो है टाइम डोमेन में एक्सपांड हो गया है।
और वो इस तरह से एक्सपांड हो गया है जिससे कि उसका थोड़ा बहुत जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कहाँ हमें दिखाई दे रहा है, जब हम नेक्स्ट सिंबल को जब सैंपल करेंगे तब भी वो हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं है बेटा? व्हाट डू यू थिंक? ये जो स्पिल ओवर है, क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। तो अब मुझे ये बताओ कि स्पिल ओवर की वजह से भी हमारा जो एरर है वो आएगा? बोलिए हाँ कि ना। जो स्पिल ओवर है, व्हाट डू यू थिंक, उसकी वजह से भी हमारा एरर आएगा? तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है, कि जब हम रिसीव कर रहे हैं ना ये डिजिटल बिट्स को, तो जो एरर हो वो एरर कम से कम होना चाहिए। बोलिए हाँ कि ना। जो हमारा ऑलवेज ट्राई क्या होगा कि जो एरर है, सो स्पिल ओवर लीड्स टू ISI। एग्जैक्टली ईशा, स्पिल ओवर लीड्स टू ISI, इंटर सिंबल इंटरफियरेंस। नाम में ही सब कुछ है ईशा, इंटर सिंबल इंटरफियरेंस, राइट? तो जो सिंबल्स हैं उनके बीच में इंटरफियरेंस हो रहा है, तो ये इंटर सिंबल क्यों बोल रहा है? बिकॉज इट हैपन्स बिटवीन टू सिंबल्स। टाइम डिले देंगे थोड़ा? नहीं अभिषेक, हाँ नहीं, वो कुछ नहीं करना है अभिषेक। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन काफी अच्छा है, मेरी बात सुनिए, इसका सॉल्यूशन काफी अच्छा है और इसके ऊपर एक गेट क्वेश्चन भी है। तो सॉल्यूशन जो है, और वो आपने कॉलेज में, नहीं बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको रुको, आपने कॉलेज में या तो फिर जो फोर्थ ईयर में है उन्होंने सुना होगा अबाउट रेज कोसाइन पल्स। कॉलेज में आई थिंक सुमित प्रामाणिक, यश फ्रॉम चांगा, जो भी अभी फोर्थ ईयर में है, वैष्णवी एंड नेहा, क्रिस्टल, मैत्री एंड श्रद्धा, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दिस पल्स, रेज्ड कोसाइन पल्स। सो आपको तब मालूम तो नहीं होगा कि रेज्ड कोसाइन पल्स का काम क्या होगा, आपने मे भी पढ़ लिया होगा या तो फिर रट लिया होगा कि रेज्ड कोसाइन पल्स होता है। एंड इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सुमित और बाकी सब जो फोर्थ ईयर वाले हैं उन्होंने ये भी सुना होगा कि रोल ऑफ फैक्टर होता है। क्या ये सब चीजें सुनी हुई है आपने? रोल ऑफ फैक्टर होता है इन केस ऑफ फिल्टर एंड लाइक इन केस ऑफ से रेज्ड कोसाइन फिल्टर। ओके नहीं अभिषेक, आपको नहीं पता होगा ना, आप तो थर्ड ईयर में हो ना शायद अभिषेक लिंगे, मैं बात कर रहा हूँ जो फोर्थ ईयर में है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट आता है 6 या 7 सेमेस्टर में, और आई वैसे फिफ्थ और 6 सेमेस्टर में, तो मे बी आप अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे, बट फिर भी आप लोग ये शायद ये नहीं जान पाओगे कि इसका यूज क्या होता है। चलिए तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, राइट? इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सुमित साहब आज क्या मूड में नहीं हो क्या? कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो? आज क्या मूड में नहीं हो क्या? अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ ISI। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ISI का, तो अगर हम बात कर रहे हैं ये सॉल्यूशन काफी मस्त है, तो चलिए मैं पहले लेता हूं जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के अंदर भी मैं क्या ले रहा हूं, मैं सॉल्यूशन के अंदर भी ले रहा हूं आइडियल केस। मैं सॉल्यूशन के अंदर भी क्या ले रहा हूं, आइडियल केस। तो इससे क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ अगर हम रेज कोसाइन फिल्टर की बात कर रहे हैं, नॉट फिल्टर सॉरी, अगर हम रेज कोसाइन पल्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? ओके, सो आइडियल वन इज समथिंग लाइक, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझिएगा और मुझे बोलिएगा सिग्नल्स लगा के कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। चलिए तो अब मुझे ये बताओ कि हमें इतना मालूम पड़ गया है कि जो भी हमारे पास रियल लाइफ में पल्स होता है वो बिकॉज ऑफ चैनल, वो स्पिल ओवर तो होगा ही होगा, राइट? वो स्पिल ओवर होगा ही होगा, मगर अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पल्स को ऐसे डिजाइन कर रहा हूं, मैं पल्स को ऐसे डिजाइन कर रहा हूं सच दैट जब मैं कोई सैंपल लूंगा। चलिए मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। मुझे ये बताओ, जो अब सैंपल करेंगे तो हम किसको सैंपल करेंगे? जब हम सैंपल 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 बोलते हैं तो हम किसको सैंपल करते होते हैं? जो हम सैंपल करते हैं तो सैंपल किसको करते हैं? हम जो सैंपल कर रहे हैं तो किसको सैंपल कर रहे हैं? एग्जैक्टली, जो आउटपुट ऑफ हमारा मैच फिल्टर है हम उसको सैंपल कर रहे हैं, बराबर है? और मुझे ये बताओ, जब हम सैंपलिंग करेंगे
तो क्या किसी ने आपको ये पढ़ाया है कि सैंपलिंग करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा? अब मेरे को नहीं पता आपको किसी ने ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अगर हम सैंपलिंग करेंगे तो सैंपलिंग करने से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपको ये पता है? अगर आप सैंपल करोगे इन टाइम डोमेन तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ईशा, वो पीरियोडिक हो जाएगा, राइट? तो मैंने इसलिए आपको सैंपलिंग भी पढ़ाया था बिकॉज आई नो कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं सैंपलिंग का, तो सैंपलिंग की वजह से क्या होता है कि आपका जो सिग्नल होगा, रिजल्टेंट सिग्नल होगा, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम व्हाट आई कैन से रिपीट होगा। रिपीट कब होगा वो सब बातें करते हैं, मगर मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, ये मेरे टाइम इंस्टेंट्स हैं, ये जीरो टाइम इंस्टेंट है, ये टी टाइम इंस्टेंट है, ये टू टी टाइम इंस्टेंट है, ये माइनस टी टाइम इंस्टेंट है, ये माइनस टू टी टाइम इंस्टेंट है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जो आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे केस की बात कर रहा हूँ, इसके लिए क्या ले रहा हूँ, अब तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि अगर हम नॉइस की बात कर रहे हैं तो नॉइस को हटाने के लिए क्या करना था हमें? नॉइस को हटाने के लिए नहीं, आई मीन से नॉइस की इफेक्ट कम करने के लिए हमें क्या करना था? एग्जैक्टली एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, बराबर। तो मैं क्या ले रहा हूं कि जो पल्स डिजाइन कर रहा हूं ना, पल्स जो डिजाइन कर रहा हूं ना, वो पल्स मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि जो मैच फिल्टर है ना, तो मैच फिल्टर के बाद हमें क्या मिलेगा, मैच फिल्टर के बाद हमें क्या मिलेगा, विल गेट अ सिंक। मैच फिल्टर के बाद हमें क्या मिलेगा, विल गेट अ सिंक। तो अब मैं सिंक फंक्शन कैसे डिजाइन कर रहा हूं, देखिएगा कि मैंने क्या लिया है, मैंने ऐसा लिया है कि जो हमारा पल्स है वो पल्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है जब हम उसको सैंपल कर रहे हैं, बट उसका जीरो नल मिल रहा है एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट जब हमारे दूसरे सिंबल्स को हम सैंपल करेंगे। बोलिए क्या ये बात समझ में आई आपको? मैंने ये क्या लिया, मैंने यहाँ पे ये आइडियल केस लिया है, मैंने यहाँ पे ये एकदम ही आइडियल केस लिया है जहां पे इवन आई टॉक अबाउट एन आइडियल पल्स जो है मेरा सिंक, और वो भी कहा एट द आउटपुट ऑफ द मैच फिल्टर, जिससे क्या हो रहा है, और मैं इसको कैसे डिजाइन कर रहा हूं, मैंने इसको डिजाइन इस तरह से किया है कि जब मैं एडजेसेंट सिंबल को सैंपल करूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हम सैंपल करते हैं, जब हम सैंपल करते हैं तो क्या सैंपलिंग जो टाइम है क्या वो फिक्स है? जो सैंपलिंग टाइम है क्या वो फिक्स है? हाँ, यानी कि हमें ये पता है कि जो नेक्स्ट सैंपल होगा वो नेक्स्ट सैंपल को, सॉरी जो नेक्स्ट सिंबल होगा उसको हम एट टी इंस्टेंट ही सैंपल करेंगे, राइट? जो नेक्स्ट सिंबल होगा उसको हम एट टी इंस्टेंट ही सैंपल करेंगे, तो ऑब्वियसली जो वो सिंबल जब जब टी पे आएगा तब उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। बोलिए हाँ कि ना। जिस इंस्टेंट पे हम सिंबल को सैंपल कर रहे हैं एट दैट टाइम उसका मैग्नीट्यूड क्या मैक्सिमम होना चाहिए? तो हाँ सर, उसी टाइम पे वो मैक्सिमम होना चाहिए। बट नाउ द थिंग इज हमें कैसे डिजाइन करना है इसको? ऐसे डिजाइन करना है कि जब बाकी सिग्नल्स या जब बाकी सिंबल्स हमारे सैंपल कर रहे हैं तो वो उसका जो नल है वो नल फॉल कर रहा है। बोलिए हाँ कि ना। तो क्या ऐसा पल्स या क्या ऐसा, मैं बोल रहा हूं कि क्या ऐसा आउटपुट ऑफ मेरा मैच फिल्टर क्या ये ला पाना पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये ला पाना पॉसिबल है। बोलिए हाँ कि ना। बोलिए हाँ कि ना। हाँ सुमित बताओ क्या डाउट है। हाँ अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। हाँ बताओ क्या डाउट है। सॉरी सिंक लाने के लिए। हाँ। तो बेटा यहां हो तो पाम ही रहा है ना, यहां भी हो तो पाम ही रहा है, मगर हाँ मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं। आपका क्वेश्चन ये है
कि हम पल्स क्या क्या लेंगे, आई थिंक आप ये पूछ रहे हो ना कि हम पल्स क्या लेंगे कि जिससे मैच फिल्टरिंग हो के हमें सा मिल जाए, दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर आस्किंग। ओके, तो सोचो तो बेटा जो ये बोल रहा है सुमित, कैसे होगा, क्या क्या क्या, क्या करेंगे? अच्छा क्वेश्चन पता नहीं चला, चलिए रुकिए मैं फिर से आपको पूछवाऊं। अभिषेक लिंगे, अरे अभिषेक लिंगे तेरे पे तो दिल आ गया। कुछ नहीं कुछ नहीं, क्वेश्चन ये है। ओके चलिए सुमित, आप ही अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन सबको ढंग से समझाइए। ओके ओके मैं कन्वे करता हूं। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो आपको सिंक मिल रहा है वो सिंक कहाँ मिल रहा है? हमें क्या चाहिए? हमें ISI 0 चाहिए, बोलिए हाँ कि ना। हमारा मेन मकसद इसके लिए क्या है? हमारा मेन मकसद यहाँ ये है कि हमें जो ISI है उसको जीरो करना है, बराबर नहीं, बराबर कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ ये सर बराबर बोल रहे हो। तो अब मुझे बताओ कि जो ISI है वो ISI का प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है? ISI का प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है? एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हो रहा है एट द आउटपुट ऑफ द मैच फिल्टर। तो यानी कि हमें ऐसा ऐसा पल्स चाहिए, हमें ये जो पल्स दिख रहा है आपको। अच्छा फिर से मुझे ये बताओ, फिर से मुझे ये बताओ, ये जो पल्स होगा ये किसके लिए होगा? ये जो पल्स होगा या ये जो मेरा आउटपुट होगा ये किसके लिए होगा? चलिए बताइए ये कौन से सिम्बॉल के लिए होगा? एग्जैक्टली ये होगा फॉर A-2। ये जो होगा ब्लैक वाला ये किसके लिए होगा? जो ब्लैक वाला होगा वो किसके लिए होगा? एग्जैक्टली ये होगा फॉर A-1 और ये वाला होगा, ये होगा फॉर A0। बोलिए हाँ कि ना। सो आई थिंक ये सब क्लियर है आपको। सो नाउ द थिंग इज, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो पल्स है ना, ये जो आउटपुट है, ये जो सभी वेवफॉर्म्स दिख रहे हैं, ये चाहिए मुझे एट द आउटपुट ऑफ द मैच फिल्टर। तो अभी सुमित का क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पल्स कौन सा होना चाहिए, P1 of t, ये कौन सा होना चाहिए कि जब ये पास होगा, जब ये पास होगा थ्रू अ चैनल, उसके बाद वहां पे नॉइज ऐड होगा, फिर मैच फिल्टर आएगा, तो उसका आउटपुट फिर ये आएगा। सुमित ये पूछ रहा है कि ये हम पल्स क्या लेंगे जिससे कि यही मिलेगा मुझे। तो सोचो अभी, अभी क्वेश्चन क्लियर है? सुमित क्या बोल रहा था? मैंने जो ड्रॉ किया है वो ऑब्वियसली ड्रॉ किया है क्या, आउटपुट ऑफ द मैच फिल्टर। मगर सुमित ये पूछ रहा है कि नहीं सर मुझे ये बताओ कि पल्स हम कौन सा लेंगे जिससे कि ये होगा। ओय होय 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 होय, इंपल्स और सा नहीं। हाँ देवेंद्र, अभिषेक लिंगे, अविश, सब लोग बोल रहे हो सिंक ही होगा अगर हम चैनल को ले रहे हैं डेल ऑफ टी। बिल्कुल सही अविश, अभिषेक लिंगे सबसे पहले आपने आंसर किया था, तो बताइए आपने ऐसा क्यों सोचा? अभिषेक लिंगे अबे तेरी तो, हाँ अविश बताओ क्या होगा? हाँ नहीं, ये रीजन नहीं है, नहीं। हाँ सुमित, नहीं एक ही मिनट, हाँ देवेंद्र आपने क्या सोचा? हाँ देवेंद्र, हाँ, हेलो हेलो, आवाज नहीं आई आपकी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ
एग्जैक्टली बहुत सही बहुत सही। हाँ एकदम एकदम कड़क। आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे जब आप पल्स की बात करोगे तो अगर आप अगर चैनल को आइडियल भी अज्यूम करते हो तो आपका पल्स जो है, हाँ यही सोचना था आपको, ये पता होना चाहिए कि अगर पल्स सिंक है उसका जो आपका मैच फिल्टर होगा उसका भी सिंक ही होगा। और जब आप ये कन्वोल्यूशन की बात कर रहे हो, दोनों सिंक को जब आप कन्वॉल्व करोगे तब भी आपका आउटपुट सिंक ही आएगा। है सर ऐसा कैसे? अबे भाई सिंक का फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है रेक्ट, बोलो हाँ कि ना। और अगर मैं ये सिंक की बात कर रहा हूं तो उसका भी वैसा ही रेक्ट होगा। हाँ अगर आप डिले की बात कर रहे हो तो डिले की वजह से उसका फेज चेंज होगा। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने का बोल रहा हूँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे कन्वोल्यूशन कर रहे हैं टाइम डोमेन में, तो यहाँ पे रेक्ट का फिर से रेक्ट ही बनेगा और वो भी सिंक ही आएगा। ओ हो, हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। देवेंद्र बिल्कुल सही एक्सीलेंट। क्या समझ पाए हो अब? पर इस सिस्टम का पावर बहुत ज्यादा होगा ना अभिषेक। पावर यानी यानी कि अगर हमें चाहिए ही चाहिए ना सिंक। अच्छा अभिषेक, हाँ अभिषेक मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आइडियल केस है जहां पे हम अभी थियोरेटिकली कंडीशन निकाल रहे हैं कि क्या होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूँ, मगर पहले मुझे बताओ यहाँ पे जो 30 लोग अवेलेबल है क्या सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया? और क्या आपने आपको ये जो सॉल्यूशन बोला देवेंद्र ने कि इसका पल्स क्या लेंगे, क्या ये समझ में आया आप सबको? पहले तो सबसे पहले तो क्वेश्चन सुमित एक्सीलेंट था, मैंने भी इसके बारे में सोचा नहीं था, मैंने अभी सोचा। तो गुड क्वेश्चन एंड अगेन गुड आंसर गिवन बाय देवेंद्र, गुड एक्सीलेंट देवेंद्र। क्या क्लियर है सबको? इवन प्रॉब्लम जो पूछा था सुमित ने, सो अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्या नाम है सुमित, एंड गुड आंसर भाई देवेंद्र। चलिए किसी का आवाज चालू है बेटा? देवेंद्र आपका ही चालू है क्या? प्लीज चेक करो ना एक बार किसका चालू है, बंद कर दो। ओके चलिए, आई होप सबको क्लियर है। यहाँ पल्स भी हमें यही लेना पड़ेगा। हाँ मुझे मगर मुझे यहाँ पे ये बताओ कि क्या आपको ये बात से सहमत हो, क्या अब आप लोग ये बात से सहमत हो कि अगर हमने पल्स ऐसा ऐसा लिया और जो मैच फिल्टर का आउटपुट है अगर ऐसा आएगा तो हमें ISI 0 मिल जाएगा? मैं अभी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जो कंडीशन है ना फॉर 0 ISI, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल केस दिखाऊंगा जहां पे आप ISI 0 कर पाओगे बाय एनी सिंपल सिग्नल। मगर पहले मुझे ये बताओ, रेस कोसाइन पल्स है ना वो उसी का एग्जाम्पल है। मगर पहले मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे आपको लगता है कि ISI 0 हो जाएगा? क्या सब लोग ये मानते हो यहाँ पे? अरुण, प्रत्यूष, स्नेहा, हैरम, जो जो भी यहाँ पे है वो सब लोग क्या मानते हो ये बात? ओके अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ इसका जो है, मैं अगर मैं सिंगल अगर मैं बताऊं, अगर मैं सिंगल पल्स की बात कर रहा हूँ, जो सिंगल पल्स है, तो मैं सिंगल पल्स को क्या लिख सकता हूँ बताओगे आप लोग? जो सिंगल पल्स यहाँ पे मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर अ वेरी सिंगल पल्स, एक सिंगल पल्स, एके पल्स, तो बताओ एके के लिए हमें क्या मिलेगा? कोई मुझे हेल्प आएगा उसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इन केस ऑफ सिंक क्या लिख पाऊंगा एके को, मैं क्या लिख पाऊंगा, कोई हेल्प कर पाएगा मुझे? चलिए मैं वेट कर रहा हूं, मैं क्या लिख पाऊंगा इसको? इन केस ऑफ सिंक ही बोलना, इन केस ऑफ सिंक मैं क्या लिख पाऊंगा? चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इन केस ऑफ सिंक मैं क्या लिख पाऊंगा इसको? नहीं कोई एक ही, यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं, चलो मैं एकदम इसको एकदम इजी कर रहा हूं। मुझे बताओ ए -1 के लिए बात कर रहे हैं, बस डिले विले एंटर नहीं करना है, डिले विले छोड़ दो, मैं सिर्फ ए -1 की बात कर रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे? डिले लाना ही नहीं मेरे को। अगर मैं ए -1 की बात कर रहा हूं तो ए -1 के लिए जो पल्स रिसीव हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे? सोच के बताओ पृथ्वीराज।
आपका डोमेन कहाँ है? आप बोल रहे हो 2/T होगा, क्या सही बोल रहे हो? एक बार सोच के बताओ। आपको ऐसे डिजाइन करना है इसको कि उसका पहला नल जो है वो टी पे आए। अब सोच के बताओ क्या करोगे, मुझे नहीं पता। हाँ बेटा बताओ ना क्या होगा। मुझे ये ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाले को आप क्या लिखोगे उतना ही बताओ मेरे को, और कुछ आंसर नहीं चाहिए। ये जो ब्लैक वाला सिग्नल दिख रहा है इसको मैं क्या लिखूंगा? ओके, सुमित बोल रहा है उसको हम लिखेंगे 1/T। कुछ नहीं, आप लोग सोच के बताओ, मैं तो वेट कर रहा हूं। मेरे को रटवाना नहीं है बेटा ये सब, इसलिए मैं आपसे काम करवा रहा हूं। गुड गुड, प्रामाणिक, गुड। इट्स अ सिंक, टी अपॉन कैपिटल टी। गुड गुड, अभिषेक लिंगे, देवेंद्र, सिंक के अंदर पाई नहीं होता है। गुड गुड, एक्सीलेंट। सो आई होप सबको जो है ये मिला है कि जो सिंक होगा वो सिंक करना पड़ेगा हमें टी अपॉन कैपिटल टी, बराबर है? चलिए, इट में अपन सबको डाउट होगा तो मैं क्या करता हूं, बोलो अगर सिंक है तो मैं सिंक को क्या लिखूंगा? क्या मैं सिंक को लिखूंगा साइन टी अपॉन टी बाई टू, या इसको मैं लिखूंगा साइन पाई टी अपॉन टी अपॉन पाई टी अपॉन टी? बताइए मैं क्या लिखूंगा इसको, ये पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? एग्जैक्टली, जो पहला वाला है वो तो गलत है ना बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब्जेक्ट के अंदर सिग्नल्स जो है वो एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो सिग्नल्स का ही एप्लीकेशन है। तो चलिए मुझे ये बताइए क्या ये क्लियर है सबको? अच्छा, यानी कि अगर हम यहाँ पे नल्स की बात कर रहे हैं तो बताओ यहाँ नल्स कहाँ पे होंगे? यहाँ पे नल्स कहाँ पे होंगे बेटा? आपको पता होना चाहिए कि इसके नल्स कहाँ पे होते हैं। बेटा मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, जब लोग हम एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ते हैं तो क्या आपको सा और सिंक एकदम ढंग से पढ़ाया जाता है? कोई भी पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी पढ़ा रहा है, व्हाट डू यू थिंक, आपको जो सा और सिंक है क्या वो एकदम ढंग से पढ़ाया जाता है? सो आई थिंक यस, आपको सा और सिंक जो है वो एकदम ढंग से पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जो ढंग से पढ़ा रहा है उसको पता है कि सा और सिंक का जो कम्युनिकेशन में यूज आ रहा है ना, एक्सटेंसिव यूज आ रहा है, नॉट सा एंड सिंक का जो है वो एक्सटेंसिव यूज आ रहा है। तो बताइए क्या ये क्लियर है आप सबको? हाँ बेटा, क्या ये क्लियर है सबको? सब लोग कन्विंस्ड होना ये बात से। हाँ, अगर ये बात से कन्विंस्ड हो तो मुझे ये बताओ कि अब हम इसका निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो मुझे बताओ इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा, क्योंकि वही तो है भाई जो हमें कंडीशन देगा। तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या आएगा? मैं वेट कर रहा हूं, टेक योर टाइम, मुझे इसका सही से आंसर बताओ कि इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसा दिखाई देगा, और मुझे सब कुछ बताओ, यानी कि एफ के अंदर दिखाना। हाँ सुमित, रेक्ट आएगा, मगर रेक्ट जो है वो कहां से कहां आएगा? और मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे आपको आंसर करना है कि रेक्ट के अंदर, और इवन आपको बताना है कि एफ के अंदर क्या होगा, इन केस ऑफ एफ ये कैसा दिखाई देगा। चलिए, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये रेक्ट आएगा, आपने बिल्कुल सही बोला है, कि मगर एफ के अंदर कैसा दिखाई देगा एफ? सो चलिए, आई एम वेटिंग ओवर हियर फॉर योर आंसर। और बेटा अगर ये नहीं हो रहा है आपसे कि सिंक का रेक्ट कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, तो मुझे बताओ, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। ओके, सो पृथ्वी रेक्ट कहां से कहां आएगा? रेक्ट कहां से कहां आएगा? -T से टी, -T/2 से T/2 कहां आएगा?
गुड 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 गुड, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू। बोलिए सबका आंसर ये आ रहा है क्या? सबका आंसर ये आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा है कुछ नहीं, मुझे बताओ कि सर हमारा नहीं आ रहा है, तो एक बार आप करके दिखाओ। हाँ, क्या सबका आंसर ये आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ, क्या सबका आंसर ये आ रहा है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्रिस्टल, श्रद्धा, हैरम्ब, जितने भी लोग यहां पे हैं, क्या सबका ये आंसर आ रहा है? रटना नहीं पड़ेगा ना इसको। हाँ, यश, वह सब सबका आंसर ये आ रहा है ना कि यू आर गोइंग टू गेट अ रेक्टेंगुलर पल्स, यू आर गोइंग टू गेट अ रेक्टेंगुलर पल्स फ्रॉम माइनस टी बाई टू से टी बाई टू। बोलिए हाँ कि ना, फ्रॉम माइनस टी बाई टू से टी बाई टू विथ एम्पलीट्यूड वन, विथ एम्पलीट्यूड वन, राइट? क्या सबको ये मिला है? क्या सबको ये मिला है? ये नहीं मिला है। अच्छा, एम्पलीट्यूड वन नहीं हो रहा है। अच्छा, एम्पलीट्यूड टी हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं, चलिए, जो एम्पलीट्यूड है वो टी हो रहा है। हाँ हाँ, चलिए, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो टी हो रहा है, चलिए मान लिया, सॉरी, वन बाई टू टी हो रहा है। पक्का? मैं नहीं समझा, क्या बोल रहे हो आप? हाँ सुमित, वन बाई टू टी हो रहा है ऐसा बोल रहे हो ना? एम्पलीट्यूड इज वन बाई टू टी। माइनस, फिर से क्या समझा? सॉरी, क्या बोले आप? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मैं गलती समझ गया, मैं इसको टाइम डोमेन में ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी, हाँ मैं समझ गया, फ्रीक्वेंसी में है इसलिए ये हो जाएगा आपका माइनस वन बाई टू टी से लेके ये हो जाएगा आपका वन बाई टू टी, राइट? ये होगा बराबर। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे ये बताओ कि जो भी आपका सबका साथ बना हुआ है अब तक, क्या अब तक सबका साथ बना हुआ है, सब लोगों का ये आंसर आया है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं ना? अगर मैं आगे बढ़ने का परमिशन ले रहा हूं, विच मीन्स कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि a माइनस वन जो है ना, ये ब्लैक वाला, तो अब मुझे बताओ कि जो a माइनस वन हमारा मैच फिल्टर के बाहर आएगा, ये जो हमारा a माइनस वन बाहर आएगा, तो अब हम क्या करेंगे इसको? जो हमारा y ऑफ t आएगा, एग्जैक्टली, सैंपल करेंगे, सैंपल करेंगे, बोलो हाँ कि ना, सैंपल कब करेंगे, सैंपल कब करेंगे? नहीं ईशा, ऐसा नहीं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ हम इसको सैंपल कर रहे हैं, हम इसको सैंपल कर रहे हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, मगर अल्टीमेटली जो सैंपलर है, अल्टीमेटली जो सैंपलर है वो तो इसको हर जगह सैंपल कर रहे हैं ना, बोले हाँ कि ना? अल्टीमेटली जो सैंपलर है वो सैंपलर तो भैया उसको यहां भी सैंपल करेगा, उसको यहां भी सैंपल करेगा, उसको यहां भी सैंपल करेगा, उसी को यहां भी सैंपल करेगा, उसकी उसी को यही भी सैंपल करेगा, बोले हाँ कि ना? अबे उसको थोड़ी पता है कि मैं ये ब्लैक वाले को सैंपल कर रहा हूं या बाकी को कर रहा हूं, समझ रहे हो? वो तो क्या करेगा, ये जैसे ही आपका उसका सैंपल करने का टाइम होगा वो तो सैंपल करना चालू कर देगा, बोले हाँ कि ना? ये तो भाई हमको ये चाहिए कि जब मैं टी पे सैंपल कर रहा हूं तब मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले ओनली ऑफ द जीरो सिंबल, बोले हाँ कि ना? बहुत गहरी बात बोल गया मैं, क्या समझ रहे हो? अगर मैं टाइम टी पे सैंपल कर रहा हूं तो ये मुझे पता है कि जब मैं टाइम टी पे सैंपल कर रहा हूं, सो एट दैट टाइम इंस्टेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है कि जो जीरो सिंबल है ट्रांसमिट हुआ, मैं उसी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, मेरा मकसद ये होगा कि जो जीरो सैंपल है उसी को मैं डिकोड कर रहा हूं, बोलिए हाँ कि ना? और इसीलिए हमने जो बाकी सिंबल्स थे, जो बाकी हमारे एडजेसेंट सिंबल्स थे, उसका हमने वहां पे नल बनाया है, बोलो हाँ कि ना?
बट द थिंग इज वो सैंपल तो करेगा ही करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारा वाई ऑफ टी हमारा मैच फिल्टर के बाहर आ रहा है हम उसको सैंपल कर रहे हैं एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट टी। अगर हम इसको सैंपल करेंगे एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट ऑफ टी तो उससे फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा? अबे सर क्या बोले, सोच के बताओ। अगर मैं सैंपल कर रहा हूं रिसीव्ड सिग्नल को, पीरियोडिक होगा, हाँ बेटा पीरियोडिक होगा, तो मुझे ये बताओ ये स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा, ये स्पेक्ट्रम आपको कैसा दिखाई देगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ। नहीं अभिषेक, सोच के बताओ। ये स्पेक्ट्रम अभी तो आपका एक ही पल्स है, एक ही आपका रेक्टेंगल है, अगर आप इसको पीरियोडिक कर रहे हो तो देन टेल मी ये कैसा दिखाई देगा आपको। हाँ पीरियोडिक रेक्ट दिखाई देगा, अगर ड्रॉ करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो उसका शेप कैसा आएगा। हाँ बेटा बहुत सारे रेक्ट आएंगे, मगर मैं बोल रहा हूँ उसका शेप बताओ मेरे को, ड्रॉ करो इसको, रिपीट कब होगा मेरे को ये बताओ, रिपीट कब होगा, रिपीट कब होगा स्पेक्ट्रम, रिपीट कब होगा, आफ्टर आफ्टर ईशा। सो ऐसा कैसे बोल दिया आपने, 2/T थोड़ी होता है ईशा, स्पेक्ट्रम रिपीट कब होगा, आफ्टर ईच एंड एवरी fs, ऑब्वियसली। तो fs क्या है यहाँ पे, fs क्या है यहाँ पे, अरे सोचो हमने पढ़ा है सैंपलिंग, fs इज 1/T, fs इज 1/T। तो अब मुझे बताओ स्पेक्ट्रम ये सिंगल का है, अगर वो रिपीट होगा तो अब वो कैसा दिखाई देगा, ये रिपीट होगा आफ्टर ईच एंड एवरी 1/T इंटरवल, आफ्टर ईच एंड एवरी 1/T फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद मुझे ये स्पेक्ट्रम जो है वो पीरियोडिक ड्रॉ करके बताओ कि उसका जो सुमित, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सुमित, वो कांस्टेंट दिखाई देगा। बे सर क्या बोल रहे हो अभिषेक, नहीं अभिषेक तू कौन से डोमेन में है ये जानना बिल्कुल जरूरी है, तू डीसी इसको नहीं बोल सकता है क्योंकि तू फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। अभिषेक फ्रीक्वेंसी डोमेन में डीसी नहीं होता है बेटा, हाँ फ्रीक्वेंसी में डीसी कब होगा, जब एफ इज इक्वल टू 0 पे है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। क्या अभिषेक क्लियर हूं मैं, हाँ मेरे को बताओ ये समझा कि नहीं आप लोग, क्या आप सब लोगों को यह दिखाई दिया कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो कांस्टेंट आएगा? सर नहीं समझे वैसे तो, आप क्या बोल के गए, आप कुछ अच्छा बोल के गए मगर हमें समझ नहीं आया कुछ नहीं। सर है ना, सर है ना, बताइए मैं यहां पे क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि रिसीव्ड 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 सिग्नल, रिसीव्ड सिग्नल आउट ऑफ मैच फिल्टर, आउट ऑफ मैच फिल्टर इज, मैच फिल्टर इज सैंपल्ड, बताओ कब होगा ये सैंपल्ड, इज सैंपल्ड एट ईच टी सेकंड, बोलिए हाँ कि ना, एट ईच टी सेकंड्स, राइट पक्का। नाउ व्हाट डू वी वांट, नाउ व्हाट डू वी वांट फॉर ए के सिंबल, फॉर ए के सिंबल we want, what we want, we want, we want, we want क्या, we want output of match filter to be maximum at कब बताओ, कब, फॉर ए के सिंबल वी वॉन्ट आउटपुट ऑफ मैच फिल्टर टू बी मैक्सिमम एट, एट कब, मैं बात कर रहा हूं फॉर ए के सिंबल, तो बताओ फॉर ए के सिंबल हमें उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब चाहिए,
या कब आएगा एग्जैक्टली वो कब आएगा, वो आएगा एट के प्लस वन टी, एट के प्लस वन टी, बट एट द सेम टाइम इंस्टेंट क्या होगा, एट द सेम टाइम इंस्टेंट नल्स ऑफ एडजेसेंट, स्पेलिंग क्या होता है मेरे को नहीं पता, बोला सही है क्या, एडजेसेंट सिंबॉल्स ये क्या होना चाहिए, एडजेसेंट सिंबॉल्स मस्ट बी क्या जब हम सैंपल कर रहे हैं एट के प्लस वन टी फॉर ए के सिंबॉल, देन व्हाट डू यू थिंक बाकी जो आपके एडजेसेंट सिंबॉल्स हैं उसका वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो। एट द सेम टाइम इंस्टेंट नल्स ऑफ एडजेसेंट सिंबॉल मस्ट बी देयर, लो मैं लिख ही लिया था, नल्स ऑफ एडजेसेंट सिंबॉल्स मस्ट बी देयर सो दैट इससे क्या होगा, सो दैट इंटर सिंबॉल इंटरफेरेंस इज जीरो एंड करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ ए के इज मेड। बोलिए हाँ कि ना, ये सब कुछ समझ में आया। तो आप ये बात से सहमत हो कि जो हमारे पास पहले तो जो पल्स आएगा वो हमने जो आउटपुट आया वो सिंक आएगा, सिंक को हम सैंपल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम अब क्या हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, क्या इफ आई ड्रॉ यहाँ पे इफ वी सैंपल, मैं क्या लिख रहा हूं कि इफ वी सैंपल y of t to obtain y of nt it's a frequency spectrum क्या हो जाएगा, its frequency response would be periodic with a period कितना fs is equal to 1 divided by t, बोले हाँ कि ना, fs is equal to 1 divided by t, right? क्या ये क्लियर है? और आपने मुझे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो t हो रहा है, अब मुझे बताओ जब हम इसको पीरियोडिक करेंगे तब क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड, क्या वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जब वो पीरियोडिक होगा तो 1 by t मल्टीप्लाई होता है, क्या ये याद है आप सबको सैंपलिंग के अंदर जो किया था वो? बेटा भूल जाना इज नॉट एन ऑप्शन इन सिग्नल्स। क्या आपको ये याद है कि जब हम सैंपल करते हैं तो सैंपल के अंदर एफ एस मल्टीप्लाई होता है, ये रहा सैंपलिंग मैंने आपको तब भी कराया था, इम्पल्स है तो 1 by ts होगा, 1 by ts होगा तो वो एफ एस, क्या ये याद है आपको? हाँ बेटा क्या ये याद है आपको कि यहाँ पे एफ एस मल्टीप्लाई होता है, कहाँ गया मेरा एफ एस, ये रहा देखो एफ एस मल्टीप्लाई होता है जब हम इसको पीरियोडिक करते हैं तो, राइट? तो मैथ्स में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, योर एरर मस्ट बी जीरो,
तो जब यहां पे आप इसको करोगे तो मुझे बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा यहां पे, मैं सिंगल सिंगल जो रेक्ट है उसको ही ड्रॉ कर रहा हूं। तो पहला रेक्ट मेरा ये रहा माइनस टी बाई टू से टी बाई टू। अब बताओ नेक्स्ट रेक्ट कहां आएगा, जो नेक्स्ट रेक है वो कहां, रेक्ट कहां आएगा, जो नेक्स्ट रेक्ट होगा वो कहां आएगा। बेटा ऐसे भोले मत बनो, क्या समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं वो, या बाउंस गया? हाँ ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा मत करो रे, क्या समझ रहे हो? हाँ हाँ क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, ये चीज ना सबको नहीं मालूम होती है, ये कुछ भी ऐसे ही पढ़ा के कोई भी निकल देगा। तो क्या ये समझ रहे हो कि ये होता है आपका वन डिवाइड बाई टू टी, ये बन जाएगा आपका वन डिवाइड बाई टू टी, राइट? अगर इसके बाद अगर मैं स्पेक्ट्रम को रिपीट कर रहा हूं तो मुझे बताओ स्पेक्ट्रम रिपीट होगा ना बेटा, स्पेक्ट्रम रिपीट होगा ना बेटा कि नहीं होगा, स्पेक्ट्रम रिपीट होगा ना? हाँ अगर वो रिपीट होगा तो आप मुझे ये बताओ कि अगर वो रिपीट होगा, सो नाउ लेट मी नो कि रिपीट होगा तो वो कब रिपीट होगा, अगर वो रिपीट होगा तो वो कब रिपीट होगा, आफ्टर एफ एस, आफ्टर एफ एस, बराबर? तो बताओ ये क्या बनेगा, ये बनेगा वन बाई टी, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आई थिंक थ्री बाई टू टी, एक बार देख लो मेरे को भी नहीं पता है, हाँ ये बन जाएगा थ्री बाई टू टी। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो रेक्ट जो रेड यहाँ पे है वैसा वाला हमारे पास इस साइड भी होगा, नेगेटिव साइड पे भी होगा, बोले हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना, हाँ बेटा ये आपका स्पेक्ट्रम ऐसा बन जाएगा पूरा। क्या सबको समझ में आया ये? तो क्या आपको लगता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फॉर जीरो इंटर सिंबल इंटरफियरेंस, तो जो कंडीशन है वो कंडीशन यहां से ही निकल के आता है। कंडीशन क्या निकल के आता है, जो कंडीशन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जब आप इसको सैंपल करोगे, जब आप इसको सैंपल करोगे तो आपके पास जो आएगा क्या स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम जो होगा वो फ्लैट होना चाहिए। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। अगर मैं यहां कंडीशन की बात कर रहा हूं तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा, कंडीशन ये होगा कि सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हम यहां पे ले रहे हैं कि हमारे पास y ऑफ t है, सपोज हमारे y ऑफ t है, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है y ऑफ f। बोलिए हाँ कि ना, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वो है y ऑफ f। ये जो है ये किसका है, ये मैं ले रहा हूं ये पीरियोडिक का है। बोलिए हाँ कि ना, ओ भाई ये किसका है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये है पीरियोडिक का, ये समझ रहे हो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका y ऑफ nts का। क्या ये समझ रहे हो डिफरेंस क्या बोल रहा हूं मैं, या बाउंस आ रहा है? हाँ ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक है वो किसका है, वो सैंपल करने के बाद ऐसा आएगा ना। सर सिंक टी प्लस के प्लस वन टी ही प्लॉट किया ना, मैंने सैंपल किया ना अभिषेक मैंने। अरे बेटा अभिषेक देखो, आप लोग अभिषेक और पृथ्वीराज आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताओ, मैं एक सिंगल पल्स की बात कर रहा हूं, मैं एक सिंगल पल्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये बताओ जो सिंगल पल्स होगा, जो सिंगल पल्स होगा क्या उसका, क्या आप उसको सैंपल करोगे कि नहीं करोगे? सिंगल पल्स की बात करो, सिंगल सिंबल, अगर सिंगल सिंबल है ए माइनस वन, तो क्या आप इसको सैंपल करोगे एट जीरो, एट टी, एट टू टी, एट थ्री टी, एट फोर टी, एट फाइव टी, एट सिक्स टी, हर जगह करोगे उसको सैंपल? मगर मुझे ये बताओ कि अगर वो ए माइनस वन है तो उसका नॉन जीरो सैंपल कब मिलेगा आपको, ए माइनस वन का आपको नॉन जीरो सैंपल कब मिलेगा, जीरो पे मिलेगा। मगर आप उसको सैंपल तो कर ही रहे हो ना, और अगर आप उसको सैंपल कर रहे हो तो अब मुझे ये बताओ कि उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा क्या वो आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूअस, क्या वो पीरियोडिक नहीं होगा, जो हमने
जो हमने पढ़ा था इन सैंपलिंग, समझ रहे हो ये पूरा? तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास, अगर मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, अगर मैं यहां पे लिख भी रहा हूं कि चलिए, अगर मैं यहां इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं आपको, मैं यहां ये लिख रहा हूं कि ये जो है वो ओनली फॉर ए के सिंबल है, तो ये जो है वाई वो है फॉर द केथ सिंबल, उसको हम सैंपल कर रहे हैं। चलिए अब समझोगे आप लोग इससे, y तो है मगर वो है फॉर द kth सिंबल और वो NTS किया, जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो पीरियोडिक मिलेगा, अगेन फॉर द kth सैंपल और वो हो जाएगा हमारा ये पीरियोडिक, से पीरियोडिक हो जाएगा FS। बताइए क्या आप ये समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर द kth सिंबल। चलिए ये नोटेशन क्या क्लियर है आपको, ये जो नोटेशन है क्या वो क्लियर है? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है ना वो वाई के, एक ही पल्स के लिए बात कर रहा हूं वाई के। अब मुझे ये बताओ फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैं के की जगह, अगर ये के है ना, ये के ले रहा हूं 0 1 2 3 4 5, इससे फर्क क्या पड़ेगा? चलिए मुझे बताओ, ये पूरा सिग्नल है एग्जैक्टली सुमित, फेज में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम k को चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो जो सिंक होगा वो सिंक यहां नहीं आएगा, वो यहां कहीं आएगा, उसके बाद 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 यहां कहीं आएगा। तो आप देख रहे हो ये टाइम डोमेन है, बोलिए हाँ कि ना? तो टाइम डोमेन में आपका जो सिंक है वो डिले हो रहा है, और जो सिंक डिले हो रहा है उसकी इफेक्ट फ्रीक्वेंसी में क्या होगी, जो सिंक आपका टाइम डोमेन में डिले हो रहा है उसकी इफेक्ट फ्रीक्वेंसी में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ फेज शिफ्ट होगा ना बेटा। मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं मोड ऑफ वाई ऑफ एन। चलिए मुझे वो भी स्पेसिफाई कर देने दीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ ये। अब क्या ये क्लियर है आप सबको? हाँ बेटा, क्या अब ये सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको पढ़ा मैथ्स रहा हूं, मैं पढ़ा आपको सिग्नल्स रहा हूं, मगर क्या आप ये समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, हाँ माय बाप, हाँ प्रामाणिक बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो प्रामाणिक, हाँ प्रामाणिक, हाँ 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 क्योंकि यहाँ पे जो प्रामाणिक जो केस है वो आइडियल है। मैं तुझे रियल टाइम प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूँ जहां पे हम लोग यूज करेंगे वो अल्फा वाला फैक्टर, रोल ऑफ फैक्टर। पहले मुझे ये बताओ, प्रामाणिक क्या ऐसा फिल्टर रियल लाइफ में बनाना पॉसिबल है जिसका शार्प कट ऑफ हो? हाँ 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 प्रामाणिक। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने लिया है एक स्टैंडर्ड और आइडियल सिग्नल, जिससे कि यहाँ पे मेरा इनपुट जो सिंक है वही मेरा आउटपुट में सिंक हो रहा है। यू हैव एब्सोल्युटली सेड करेक्टली कि यहाँ पे आपका जो मैच फिल्टर है इट इज समवॉट लाइक इम्पल्स, वो बिहेव कर रहा है एज एन इम्पल्स, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स इम्पल्स ही है। बट द थिंग इज, प्रामाणिक हमारे पास रियल लाइफ में सिग्नल जो होगा वो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सबसे पहला चीज तो हमारे पास ऐसा सिंबल जनरेट कर पाना कि जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टाइम तक हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ ये आइडियल केस है। मैं यहां से आगे जाऊंगा जहां पे आएगा मेरा एक एक पल्स जो डिफाइन, जो दिखता है सिंक जैसा, जो दिखता है सिंक जैसा, मगर वो जो है ना वो इतना ही है, इतना ही है, मैंने उसको लिमिट कर दिया है यहां से यहां तक। तो ये जो है ना, इन दिस केस प्रामाणिक आपका जो सिग्नल रहेगा जो पास होगा थ्रू मैथ फिल्टर, उसमें फिर फर्क पड़ेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो भी पिक आएगा।
यानी कि वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी जो आप बोल रहे हो वैसा नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो प्रामाणिक गेट का एग्जांपल। हाँ ये रहा, कहाँ है गेट का एग्जांपल, हाँ ये रहा, ये होता है रियल लाइफ में पल्स, इसको बोलते हैं रेस्ट कोसाइन पल्स। देखो दिखता है थोड़ा बहुत सिंक जैसा ही, साइन 4π wt/4π wt, मगर देखो उसको कितना फटाफट से मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं 1 - 16 w² t² से, इसको बहुत फटाफट से मार रहे हैं। यानी इससे क्या होगा, ये आपका बहुत लंबा जाएगा ही नहीं। आई होप आई एम क्लियर टू यू, समझ रहे हो, ये रियल लाइफ का आपका आई मीन से प्रैक्टिकल सिंक है जो रियल लाइफ में हम लोग जनरेट करते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन भी आएगा ना, हाँ जो फ्रीक्वेंसी डोमेन भी आएगा ना, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन वोंट बी ऐसा वाला, फ्रीक्वेंसी डोमेन वोंट बी ऐसा वाला, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, अ ग्रेजुअल चेंज, अ ग्रेजुअल चेंज ऐसा वाला। मगर जो कंडीशन है, अब ये भी रिपीट होगा फ्रीक्वेंसी में, ये भी रिपीट होगा क्योंकि हम सैंपल कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली अगर ये स्पेक्ट्रम को ऐड करेंगे तो इट वुड रिजल्ट इनटू अ फ्लैट स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, जो जीरो आईएसआई है, वो जीरो आईएसआई का जो कंडीशन है वो मैं ला रहा हूं फ्रॉम आइडियल वन। जो मैं कंडीशन अभी मैं ला रहा हूं, अभी जो मैं प्रूव कर रहा हूं, वो प्रूव कर रहा हूं फ्रॉम द आइडियल वन प्रामाणिक। बट जैसे मैं रियल लाइफ मैंने कंडीशन प्रूव कर लिया कि हाँ ये कंडीशन है कि जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, दैट स्पेक्ट्रम हैज टू बी फ्लैट, दैट स्पेक्ट्रम हैज टू बी कॉन्स्टेंट। तो इससे क्या होगा कि जब मैं एक और कोई पल्स सिलेक्ट करूंगा, तब जो मैं उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन लाऊंगा तो वो भी फ्लैट होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास देखो, कल भी हमारा जो एग्जाम्पल था वहां पे आईएसआई नहीं हो रहा था, क्या कन्विंस हो ये बात से, जो कल हमारा एग्जाम्पल था ये वाला, यहाँ पे भी आईएसआई नहीं हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ आईएसआई क्यों नहीं हो रहा था, तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये जो रेक्ट है, यहाँ पे हमने टाइम डोमेन में रेक्ट लिया था, तो उसका फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी में सा आएगा, मगर ये जो दूसरा रेक्ट है उसका भी सा आएगा। सो व्हाट आई मीन टू से, वो बहुत सारे सा ऐड होके ना वो भी फ्लैट हो जाएगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, जो कल का एग्जाम्पल था वो भी हमारा ऑलमोस्ट क्या था कि वो भी हमारा वो फ्लैट रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस कर रहा था। ओके ओके, मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। ओके लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई फिनिश दिस, प्रामाणिक में आता हूँ। आई होप आई हैव कन्वेड आंसर, थोड़ा बहुत तो मैंने कन्वे किया है। बट द थिंग इज, मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सपोज मेरे पास वाई के है जो मेरा वाई एफ है, वाई के है जो मेरा वाई एफ है, तो अल्टीमेटली अच्छा अगर मैं इसको ये सब कुछ छोड़ देता हूं, तो मुझे ये बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं जीरो इंटर सिंबल इंटरफियरेंस, तो क्या आपको ये लगता है कि जब हम सैंपल करने के बाद लाएंगे तो ये जो आपका स्पेक्ट्रम आना चाहिए, इसका स्पेक्ट्रम जो है ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, बोलिए क्या ये बात से आप लोग सहमत हो? ये जो बात है कि ये जो स्पेक्ट्रम आएगा, ये जो स्पेक्ट्रम रहेगा इसका, ये स्पेक्ट्रम हैज टू बी कॉन्स्टेंट वन, क्या इस बात से आप लोग सहमत हो कि वो कांस्टेंट आएगा? हाँ हमने किया है पूरा मैथ्स, हमने पूरा मैथ्स किया है, उसका फीलिंग मैं आपको समझाता हूं कि फीलिंग क्या है। एग्जैक्टली फॉर जीरो आईएसआई, हम जीरो आईएसआई के लिए क्या चेक कर रहे हैं, हम जीरो आईएसआई के लिए चेक कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बोले हाँ कि ना, हम जीरो आईएसआई के लिए चेक कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, नॉट टाइम रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें यह पता है कि अगर यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट हो गया, अगर यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब हम उसको सैंपल करेंगे तब वो जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? उल्टा सोचो, अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें ऐसा मिल रहा है, पीरियोडिक बोल रहा हूँ, पीरियोडिक, मैं पीरियोडिक की बात कर रहा हूं, यानी सैंपल करने के बाद जो है ना, इट हैज टू बी कॉन्स्टेंट। ओके ओके अच्छा, लेट मी नो, ये मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट के अंदर, क्वेश्चन पढ़िए और आपको क्या लगता है इसका, आपका आप क्या आंसर लाओगे, चलिए सोचिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा।
ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। आई थिंक आपको ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन डी आपको दिखाता हूं, सो दैट आपको आपका आंसर आंसर्स चूज करने में आसानी रहे। ओके, क्या विजिबल है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन विजिबल है? हाँ, ओके, चलिए सो सॉल्व दिस। आई थिंक थोड़ा बहुत तो आप समझ जाओगे कि क्या है, और ये क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग, अभी पूछा गया है 2017 में, तो बिलीव मी ये क्वेश्चन जब पूछा गया था एक मार्क में सबसे नहीं बना होगा, बिकॉज जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट एक तो समझना ही डिफिकल्ट है और कोई समझाता ही नहीं है, छोड़ देता है कि ये कौन पूछेगा। चलिए सोच के बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे तो मेरे को बताओ, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा सब कुछ। सिग्नल्स इज इनएविटेबल पार्ट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपका सिग्नल्स वीक है और आप ये सोचते हो कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सुमित, बहुत सही, योर आंसर इज परफेक्ट। तो चलिए थिंक अबाउट इट। गुड गुड, प्रामाणिक, गुड। नहीं समझे, कुछ नहीं कुछ नहीं अभिषेक, कुछ नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो देन बी ओपन विथ मी बेटर, ये क्या फर्क पड़ेगा, अभी सीख लो, मैं पूरा समझाता हूं आपको, डोंट टू वरी। ऐसा रहेगा तो ये पूरा टॉपिक में आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, है ना, डोंट नीड टू वरी। मैं टाइम दे रहा हूं एक आध मिनट का, सुमित का हो गया है, प्रामाणिक का हो गया है, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई, अगर समझ में आया है तो। हाँ सुमित, मैं आपको बोलता ही हूं अनम्यूट करने के लिए, है ना। ओके अभिषेक, थिंक अबाउट इट, पूरा प्रोसेस को बेटा सोचो अभिषेक, अदरवाइज रटने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर पूरा प्रोसेस आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हो ना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन को आंसर करना। ओके हाँ, सुमित एक ही मिनट, मैं बोलता हूँ आपको, जस्ट एक मिनट, हाँ सुमित, जस्ट 1 मिनट। ओके, नहीं जब का अभी भी किसी को नहीं दबक रहा है ना। सर कांस्टेंट करना है तो बी। ओके सो द थिंग इज, चलिए अगर मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो पहले सुमित आप बताइए आपने क्या किया।
हाँ एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट मिलेगा, कॉन्स्टेंट। हाँ यही रास्ता है और सुमित यही लॉजिक है और ये सही लॉजिक है, मगर मुझे ये क्वेश्चन पूरा समझाना है आपको। तो अगर हाँ, सुमित 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 नहीं, हाँ यानी आप ऐसा यहां पे बोल सकते हो कि यार सैंपल करने के बाद, सैंपल करने के बाद बहुत सही। ले अभिषेक, अभिषेक कहाँ, सुमित जो बोल रहा है वो कोई समझ पाए तो बहुत सही बोल रहा है, अदरवाइज बहुत भारी चीज बोल गया है वो। भाई फिर से एक बार बोल तो। ओके अब कौन कौन लोग ये समझा, कौन कौन लोग ये समझा, तो नहीं पता क्या बोला। ओके चलिए, अगर टाइम जा रहा है आज ये समझने के लिए तो भी मैं स्पेंड करने के लिए रेडी हूं। नेहा समझाओगे क्या बोला अभी ये? नहीं समझे ना आप? ओके अभिषेक लिंगे क्या तू समझा कि क्या बोला सुमित? नहीं ओके सॉरी। अच्छा अब मुझे यहां पे ये बताओ, हाँ, मैं अभिषेक आता हूं, वो क्वेश्चन पे ही आता हूं। अभिषेक मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां पे देखे, यहां पूरा सिग्नल सी है, चलिए मेरे पास ऐसा कोई सिग्नल है राइट, मेरे पास कोई ऐसा सिग्नल है राइट। अब अगर मैं इसको सैंपल करूंगा, मैं अगर इसको सैंपल कर रहा हूं बराबर, मैंने इसको सैंपल किया, यहां पे 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 सैंपल किया। अगर मैं सैंपल कर रहा हूं तो बताओ यहां पे ये एक्स ऑफ टी है, ये एक्स ऑफ टी है, तो उसका एक्स ऑफ एन क्या आएगा, क्या बता पाओगे एक्स ऑफ एन क्या आया? क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि फॉर फोर डेल ऑफ एन आया, अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं ना कि फोर डेल ऑफ एन आया? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता। अरे भाई देख तू यहां पे करना, तू यहां पे करना, तू यहां पे कर रहा है बराबर, तूने यहां पे सैंपल किया, मगर ये किसी और सिग्नल है। ये सिग्नल कौन है भाई? ये सिग्नल मेरा एक्स ऑफ टी माइनस टू है। यहां सैंपल किया, 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 इसका मेरे पास आएगा एक्स ऑफ एन, मगर हाँ वो आएगा आई थिंक फॉर डेल ऑफ एन माइनस टू। बोलिए हाँ कि ना, समझे कि नहीं? नहीं अब समझे कि नहीं? हाँ यानी आपके पास क्या एक एक जो सिग्नल है, अगर आप वो उसको सैंपल करोगे तो आपके आपको वो सिग्नल का तो भैया एक ही इंपल्स मिलेगा ना आपको, आपको एक ही उसका नॉन जीरो सैंपल मिलेगा ना, जैसे कि जीरो का नॉन जीरो मिलेगा टी पे, वन का मिलेगा टू टी पे, टू का मिलेगा थ्री टी पे। तो क्या मैं उसको इक्विवेलेंटली, अगर सिंगल सिंबल है तो क्या मैं उसको डेल ऑफ एन माइनस के लिख सकता हूं? क्या मैं उसको डेल ऑफ एन माइनस के लिख सकता हूं भाई विथ योर परमिशन? हाँ उसका स्केलिंग कुछ ना कुछ होगा, स्केलिंग जो भी हो वो हो, मगर अब मुझे बताओ डेल ऑफ एन शिफ्टेड हो तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
वो कांस्टेंट होता है। अब समझ रहे हो? यानी आप कहीं से भी कान पकड़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यानी यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, सुमित ने बहुत ही अच्छा तार छेड़ा है। वो ये तार छेड़ा है कि जब हम किसी भी एके का सिंबल का जो भी हमारे पास सिग्नल आएगा बिफोर सैंपलिंग, हमें जब वो सैंपल करना है उसको, तो सैंपल के बाद हमें उसका एक ही नॉन जीरो सैंपल मिलना चाहिए। बोलिए क्या ये बात से सहमत हो आप लोग? अगर हमने ये अचीव कर लिया तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जीरो हो जाएगा। बोलिए क्या अब ये बात से सहमत हो आप लोग? एकदम सही सुमित, एकदम सही, एकदम कड़क। आज तूने एक नंबर बात की। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप लोग? क्या बोल रहा हूं, क्या समझ रहे हो आप लोग? चलिए मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, अभिषेक सुनना मेरी बात। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, और मैं यहां पे इसको नाम देता हूं, मैं इसको नाम देता हूं सुमित, सुमित्स परसेप्शन, सुमित्स परसेप्शन। बिल्कुल सही है सुमित, ये एक नया थियोरी आज आया है जिसका नाम है सुमित परसेप्शन। अब स्पेलिंग सही है कि गलत मेरे को नहीं पता, मगर हाँ इतना तो सही है कि ये सुमित का परसेप्शन है। बिल्कुल सही है, क्या बोला है उसने, सुमित ये बोल रहा है और बिल्कुल सही बोल रहा है। तो अगर मैं यहां बात कर रहा हूं सुमित के परसेप्शन, तो सुमित का परसेप्शन लाल नहीं हो रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं सुमित के परसेप्शन के बारे में, तो यहां पे सुमित ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी बात सुनना अभिषेक। सो व्हेन वी सैंपल, ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि व्हेन वी सैंपल, व्हेन वी, अरे अरे क्या हो रहा है, अरे व्हेन वी सैंपल सिंक, सिंक फॉर ए के सिंबल, फॉर ए के, फॉर ए के सिंबल, ये पागल हो गया फिर से मेरा, वन मिनट, हाँ रुको रे, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ लाइक अगर हम ऐसा बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास सुमित का परसेप्शन नहीं झेल पाया, यानी जैसा आप लोगों के साथ हुआ वैसा ही वन वोट के साथ हुआ, वो भी नहीं झेल पाया सुमित का परसेप्शन, जैसे आप लोग नहीं झेल पाए। सो व्हेन वी सैंपल सिंक फॉर एके, एके सिंबल, फॉर ए के सिंबल वी मस्ट गेट अ सिंगल नॉन जीरो सैंपल कहां पे, नॉन जीरो सैंपल एट कहां पे, एट कहां पे, एट व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर ए के सिंबल, सो वी मस्ट गेट अ सिंगल नॉन जीरो सैंपल कहां पे, एट एग्जैक्टली एट के प्लस वन टी, एट के प्लस वन टी, राइट, एट के प्लस वन टी एंड एट अदर टाइम इंस्टेंट्स, एट अदर टाइम इंस्टेंट्स इट मस्ट बी जीरो। बोले हाँ कि ना, इट मस्ट बी जीरो। ऐसा क्यों करेगा? अगर ऐसा हो रहा है सो इन दैट केस आईएसआई क्या हो जाएगा,
यहां तो अभी क्लियर कट आप लोग बोल पाओगे कि यहां आईएसआई क्या हो जाएगा। अरे भाई जब एके को सैंपल कर रहे हो 8K+1 तभी उसका नॉन जीरो वैल्यू है, बाकी हर जगह पे वो जीरो है, बाकी और अदर टाइम इंस्टेंस नहीं। मैं क्या बोल सकता हूं, एंड एट अदर नॉट टाइम इंस्टेंस, मैं क्या बोल सकता हूं एट अदर, बताओ क्या गलती थी यहां पे, एंड एट अदर एग्जैक्टली एट अदर सैंपलिंग टाइम, एट अदर सैंपलिंग टाइम्स, एट अदर सैंपलिंग टाइम्स इट मस्ट बी जीरो विच कॉजेस आईएसआई जीरो। क्या अब ये परसेप्शन समझ में आया? और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे ये बताओ कि जो भी हमारे पास आएगा, अगर यहां से ले रहे हैं कि जो भी हमारे पास वाई ऑफ टी आएगा, वाई ऑफ टी भी नहीं ले रहा हूं, सपोज मैं ले रहा हूं कि यहां वाई के ऑफ टी है, सपोज हमारे पास वाई के ऑफ टी है, हम इसको सैंपल करेंगे तो हमें, अरे यार, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाई के ऑफ एन टी एस, बोलिए हाँ कि ना। तो ये जो वाई की जो सीक्वेंस है ये मैं लिख सकता हूं सीक्वेंस इज जीरो एंड ए के कहां पे एंड वो ए के होगा कहां पे भाई, वो ए के होगा मगर कहां पे होगा, ए के ऑलमोस्ट ए के होगा, तो ये ए के कहां पे होगा, ये ए के होगा एट के प्लस वन टी, बोले हाँ कि ना, एट के प्लस वन टी। और अगर यहां हमें एक ही नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है तो मुझे बताओ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इंपल्स का, इट इज ऑब्वियसली इक्विवेलेंट टू ए के क्या लिख सकता हूं मैं, डेल ऑफ एन माइनस के प्लस वन टी। ये बहुत भारी मैथ्स आ रहा है, क्या सब लोग समझ रहे हो, ए के टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस के प्लस वन टी, क्या ये समझ रहे हो भैया? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं कम्युनिकेशन को, अभी पढ़ा रहा हूं तब, क्या आप लोग भी सेम चीज महसूस कर रहे हो? खतरनाक, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लाइक आई हैवंट टॉट कम्युनिकेशन लाइक दिस बिफोर। आई थिंक मेरे 3 साल में ये मैं थर्ड टाइम पढ़ा रहा हूं कम्युनिकेशन, बट इससे ऐसा वाला कम्युनिकेशन मैंने आज तक नहीं पढ़ाया है। क्या ये फील हो रहा है आपको? हाँ, क्या ये फील हो रहा है आपको? हाँ, तो अब यहां आप में लिख सकते हैं ना इसको, डेल ऑफ एन माइनस के प्लस वन टी, सो ऑब्वियसली इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉन्स्टेंट, बोलिए हाँ कि ना, ये होना चाहिए कॉन्स्टेंट, बताओ बराबर है कि नहीं। ये सेम चीज इवन पढ़ाया है एनपीटीएल के फैकल्टी ने, मगर वो फैकल्टी ये बात कन्वे नहीं कर पाए हैं। बट क्या अभी आप लोग ये समझ पा रहे हो जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, जो सुमित का परसेप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्या आप लोग ये एक्सेप्ट कर पा रहे हो? हाँ, क्या आप लोग ये एक्सेप्ट कर पा रहे हो? हाँ हाँ एग्जैक्टली इसीलिए जब ये बोल रहा है कि हमें करना है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जीरो, तो बताइए ये कैसे पॉसिबल होगा, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जीरो कैसे पॉसिबल होगा? अब तो वो रटने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है जो मैंने आपको पूरा दिखाया था, अब तो सुमित का परसेप्शन इतना अच्छा है कि हम वहीं से बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स होगा इट हैज टू बी कॉन्स्टेंट, बोलिए हाँ कि ना। मगर हाँ, अभी भी आपको ये क्वेश्चन में डाउट होगा, राइट? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आपने ये क्वेश्चन को ढंग से समझा नहीं है। मुझे ये बताओ, मैच फिल्टर होगा तो मैच फिल्टर का आउटपुट क्या होगा? अगर मैं ये क्वेश्चन को समझा रहा हूं तो मुझे बताओ मैच फिल्टर का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, मैच फिल्टर का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं,
क्या हम उसको वाई के ऑफ टी बोलते हैं? बोलिए हाँ कि ना। क्या हम उसको वाई के ऑफ टी बोलते हैं? हाँ बेटा, बेटा मेरी, ओ ओ भाई लोग, बहन लोग, यहाँ पे आज लकीली 30 लोग हैं, तो ये 30 लोग जो हैं, क्या ये समझ पाए हैं सब कुछ? ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जब कल मैं चालू करूंगा पास्ट मेंट कम्युनिकेशन, आपका एएसके, एफएसके, पीएसके, क्यूपीएसके, कॉम, अगर ये समझ में आया है ना आपको, तो वो समझने में आपको काफी आसानी होगी। क्या ये समझ में आया है सबको? मैं अभी भी आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं कॉलेज का वो प्रोफेसर नहीं हूं ना जो आके पढ़ा के निकल लिया मगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है? आप समझ पा रहे हो ना? हाँ बेटा, पक्का? तन्मय, अभिषेक, समझ पा रहे हो ना? ओके सर, बट ए डेल ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो ए के होगा ना? हाँ तो ईशा, वही को होगा ना, कांस्टेंट कुछ तो आएगा ना बेटा। हाँ ईशा, कुछ तो कांस्टेंट आएगा ना बेटा। हाँ बेटा, मैं सब कुछ दिखा रहा हूं, यहां ऑप्शन ए क्यों नहीं है, मैं सब कुछ दिखा रहा हूं अभिषेक, मगर पहले मुझे क्वेश्चन को समझाने दो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो डील कैसे करना है। मुझे आपको वो थॉट प्रोसेस डेवलप करवाना है। तो देखिए यहां क्या बोला है कि इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम द ओवरऑल पल्स शेप पी ऑफ टी एट द रिसीवर बिफोर द सैंपलर हैज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन। तो अब मुझे बताओ, आपको यहां पे जो फूरियर ट्रांसफॉर्म देके रखा है वो किसका है? Is it of a continuous time pulse or a sampled pulse? Exactly, आपको जो देके रखा है वो देके रखा है frequency response of a continuous time pulse, जो output of आपका match filter है। अब जैसे ही आप इसको sample करोगे, तो मुझे ये बताओ आप इसको sample कब करोगे? आप इसको sample कब करोगे? Obviously, आप इसको samples करोगे at each and every KT interval, right? तो उसके बाद आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है? आपको आउटपुट में मिलने वाला है YK NTS, बोलिए हाँ कि ना। आपको आउटपुट में मिलने वाला है YK NTS, बोलिए हाँ कि ना। हाँ अभिषेक, मैच फिल्टर का आउटपुट किधर है? बेटा मेरी बात सुन, क्वेश्चन सुन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The overall pulse shape PT at the receiver before the sampler has Fourier transform PF. तो अब मुझे ये बता यहां पे PT क्या बोला है उन लोगों ने? अगर मैं इनका लैंग्वेज यहां पे यूज कर रहा हूं तो बता यहां पे PT क्या बोला है उन्होंने? ओवरऑल शेप जो हमें मिल रहा है कहां पे? एट दी आउटपुट ऑफ द फिल्टर। अभिषेक लिंगे, हाँ अभिषेक, मैं क्या बोल रहा हूं, उसने क्या बोला है कि ये जो है ना, ये है हमारा ओवरऑल शेप जो हमें रिसीव होगा एट द आउटपुट ऑफ द मैच फिल्टर, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें देके रखा है। बोलिए हाँ कि ना। उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें ऑप्शन में देके रखा है। अब उसने क्या पूछा है कि अगर हम उसको सैंपल कर रहे हैं तो आपका आएगा, तो क्या आएगा बेटा? अगर आप इसको सैंपल कर रहे हो तो आउटपुट में क्या आएगा बेटा? क्या आउटपुट में आपको पी ऑफ एनटीएस मिलेगा? आपको क्या आउटपुट में पी ऑफ एनटी मिलेगा? उसका कुछ ना कुछ फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। बोलिए हाँ कि ना। अभिषेक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा, तो सैंपलिंग के बाद जो हम उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑब्टेन करेंगे ना अभिषेक, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पीरियोडिक। बोलिए हाँ कि ना अभिषेक। अभिषेक, उन्होंने देके रखा है किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म? उन्होंने देके रखा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिंगल पल्स। सिंगल पल्स यानी कि कंटिन्यूस पल्स जो रिसीव हो रहा है एट द आउटपुट ऑफ द मैच फिल्टर। आपको यहाँ कंसेप्ट ये अप्लाई करना था कि अगर इसको सैंपल करेंगे तो ये जो पल्स होगा उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो पीरियोडिक हो जाएगा। और क्या हमें कंडीशन पता है बेटा कि अगर हमें चाहिए जीरो सिंबल इंटरफेरेंस
तो ये क्या होना चाहिए? अगर हमें चाहिए जीरो सिंबल इंटरफेरेंस तो ये क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी कॉन्स्टेंट। क्या अभिषेक हमें ये पता है? हाँ सर बिल्कुल हमें पता है, मगर अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि ये रिपीट कब होगा, स्पेक्ट्रम रिपीट कब होगा। तो उसने बोला है कि ट्रांसमिशन रेट जो है ना वो है 200, जो ट्रांसमिशन रेट है वो है 200, सिंबल्स आर ट्रांसमिटेड एट द रेट ऑफ 200, राइट। जो आपका ट्रांसमिशन रेट है वो है 200 सिंबल्स पर सेकंड, वो है 200 सिंबल्स पर सेकंड, राइट, क्लियर है। तो अब क्या करोगे आप लोग? हाँ अभी आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर यहां पे बोला है वो ट्रांसमिशन रेट है, तो ट्रांसमिशन रेट और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या वो सेम होगा सर? अभी आपको यहां पे जो डाउट हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहां पे देके रखा है ट्रांसमिशन रेट, और ट्रांसमिशन रेट और जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है क्या वो सेम हो रहा है यहां पे? तो सोच के बताओ क्या वो सेम होगा, सोच के बताओ। एग्जैक्टली अगर उसने बोला नहीं है यहां पे, अगर उसने यहां पे बोला नहीं है तो हम यहां पे ले सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन रेट है उसी को हम लेंगे सैंपलिंग रेट। बोलिए हाँ कि ना, जो उसका ट्रांसमिशन रेट है बेटा यहां यही लेना पड़ेगा आपको उसका सैंपलिंग रेट। बोलिए हाँ कि ना, राइट। तो अगर आप यहां पे अभी स्पेक्ट्रम प्लॉट करोगे, जो भी आपको ऑप्शंस देके रखे हैं, अगर आप एफएस के हिसाब से अगर इसको रिपीट करोगे तो आपको यहां पे एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन बी, जो आपको एक कॉन्स्टेंट स्पेक्ट्रम देगा। बोलिए हाँ कि ना अभिषेक और बाकी सब लोग, क्या आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन को? हाँ, यानी कि आपको यहां पे ये लेना था कि जो ट्रांसमिशन रेट है इज इक्वल टू सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। हाँ समझ रहे हो, और ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि जब आप ले रहे हो आरबी इज इक्वल टू एनएफएस, आरबी इज इक्वल टू एनएफएस, आपने एन इज इक्वल टू वन कर दिया, ये पॉसिबल है। यानी ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल केस है, हाँ ये ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल केस है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि सिंबल में एक ही बिट आ रहा है तो बोल सकते हैं सर बट हम सबका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे तो सबका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐड होगा, होता रहेगा, मीन्स ए नॉट ए नॉट ए वन। बेटा मगर मुझे यहां पे ये बताओ पृथ्वीराज कि हम यहां पे जो सैंपल कर रहे हैं वो एक एक ही पल्स को कर रहे हैं। बेटा मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं पृथ्वीराज कि हम सैंपल एक पल्स को कर रहे हैं और वो एक पल्स का नॉन जीरो सैंपल आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर भी बेटा अगर पूरा आप सिस्टम समझो ना बेटा पृथ्वीराज, आप पूरा सिस्टम समझो। ओवरऑल पल्स यानी कि वो सिंगल पल्स की ही बात कर रहा है बेटा, वो एक सिंबल के पल्स की बात कर रहा है, वो पूरा x of t नहीं बोल रहा है, जो summation of symbols होगा। हम जब इसको सैंपल कर रहे हैं, जब हम इसको सैंपल कर रहे हैं बेटा, तब तो हम एक ही पल्स ले रहे हैं ना। अगर हम सैंपल कर रहे हैं तब हम तो एक ही पल्स ले रहे हैं, पीके ऑफ टी ही ले रहे हैं ना, इसको हम सैंपल कर रहे हैं। और हम इसके अंदर ये चाहते हैं कि जब हम पीके को सैंपल कर रहे हैं तो उसका नॉन जीरो सैंपल हमें एक ही जगह पे मिले, वो कब मिलेगा हमें? एट के प्लस वन टी। बोलिए क्या आप लोग समझ रहे हो? हाँ बेटा, हाँ थियरी के अंदर भी, थियरी के अंदर मुझे ये बताओ पृथ्वीराज, क्या मैंने ऐसा बोला कि मैं हर एक पल्स को एक साथ सैंपल करूंगा? ये पल्स, ये पल्स, ये पल्स, ये पल्स, ये पल्स, मैं सबको एक साथ सैंपल करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं पहले इसको करूंगा, यानी कि ऑब्वियसली पहले यही आएगा एट टी इंटरवल, फिर टू टी इंटरवल, फिर थ्री टी इंटरवल, फिर फोर टी इंटरवल। सो यहां पे जो हम सैंपल कर रहे हैं वो सैंपल कर रहे हैं, यू मे अज्यूम
कि हम ये एक सैंपल है, हम अभी सैंपल कर रहे हैं एट टी इंस्टेंट। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मेरी बात सुन। तो सपोज मेरे पास ये सब पल्स है, सपोज ये मेरे पास एक पल्स है, फिर जब इसका नल हो रहा है तब मेरा एक और पल्स आया। जब ये नल हो रहा है, अब इसका जो मैक्सिमम था तब इसका मैंने जीरो बनाया। जब फिर से ये जीरो हो रहा है तो मेरा नेक्स्ट पल्स आएगा। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया है। क्या आप समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पृथ्वीराज, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ओके, लेट मी अगेन गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड जहां पे मैंने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है। एकदम आराम से मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच उसको और सोच के मेरे को बता कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। राइट, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जस्ट लेट मी गो बैक टू द स्लाइड जहां पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। हाँ बेटा, यहाँ पे पृथ्वीराज, अब मुझे यहाँ पे ये बता कि हमारे पास ओवरऑल पल्स है, बराबर ओवरऑल पल्स है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पिल ओवर है, वो सब कुछ हो रहा है, स्पिल ओवर भी हो रहा है, ओवरऑल पल्स भी है। जो ए नॉट होगा, ए नॉट को हम सैंपल करेंगे एट टी टाइम इंस्टेंट। बोल हाँ कि ना, हम ए नॉट को सैंपल करेंगे एट टी टाइम इंस्टेंट, बराबर। तब बाकी भी पल्स आ रहे हैं ना, अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पल्स का, तो ओवरऑल पल्स के अंदर तो ये सब भी है, ए माइनस टू भी है, ए माइनस वन भी है, इवन जो ए वन होगा वो भी होगा, ए टू भी होगा। मगर पृथ्वीराज, मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं टी इंस्टेंट पे ए नॉट जब मैं सैंपल करूंगा तो मुझे नॉन जीरो सैंपल ए नॉट का ही मिलेगा, बाकी सब जीरो है पृथ्वीराज, बाकी सब जीरो है। समझ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? तो ये समझ कि मैं सैंपल किसको कर रहा हूं, और मैं किसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख रहा हूं, या तो फिर जो सुमित ने बताया, क्या तू ये बात से सहमत है? कि अगर हम सैंपल कर रहे हैं, तो जो बाकी सैंपलिंग इंस्टेंट्स हैं वहां पे जो हमारा एक पल्स है वो पल्स का एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए, उसकी वजह से उसका नॉन जीरो सैंपल मिलेगा एट ओनली वन टाइम इंस्टेंट, जिसका हमारा इंपल्स होगा और इंपल्स की वजह से वो कांस्टेंट होगा। हाँ पृथ्वीराज, बोल। हाँ एक के बाद एक आएंगे। यहां भी देख, तुझे दिख ही रहा है कि सिंबल्स जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं, तो जहां जो सबका जो मैक्सिमा भी हो रहा है ना, वो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही साथ हो रहा है, तो वहां तो ऐड होगा ही होगा। यहां तो हम क्या बोल रहे हैं, और जब हम ट्रांसमिट कर रहे थे तब भी हम सिंबल्स को सिंगल सिंबल्स भेज रहे हैं, सो ऑब्वियसली जब ये पहला सिंबल आएगा तो उसका मेरे पास मैक्सिमम आ गया है। मगर मैं ये बोल रहा हूं कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो जो मैं अब जब ए माइनस टू को सैंपल कर दिया, तो इट मे हैपन कि जब मैं ए माइनस वन को सैंपल कर रहा हूं तो ए माइनस टू का कुछ बचा हुआ हिस्सा रह गया हो, मगर बाय जीरो आईएसआई वी कंस्ट्रक्ट पल्स इन सच अ मैनर कि जब हम ए माइनस वन को सैंपल कर रहे हैं तब जो प्रीवियस सैंपल आ गया था उसका कुछ भी डेटा नहीं है, क्योंकि ये पूरा होगा एज अ फ्रेम, एक फ्रेम में डेटा आएगा। आई होप ये क्लियर है पृथ्वीराज अभी, है ना? ओके, तो चलिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स थे, दोनों प्रॉब्लम्स तो हमने हटा दिया है। अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं तो चलिए फटाफट से वो केस खत्म करते हैं। बेटा, अभी भी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? अगर मैं प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं, तो इन केस ऑफ प्रैक्टिकल केस वी हैव व्हाट,
वी हैव रेस्ड रेस्ड कोसाइन फिल्टर सॉरी वी हैव रेस्ड कोसाइन पल्स। आपको बहुत कुछ नहीं जानना है इसके बारे में, मगर मैं जो एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो रेस्ड कोसाइन पल्स है वो एग्जैक्टली वही होता है। हमें देखना है सीधा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो मैं दिखाता हूँ उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अच्छा मुझे ये बताओ हमें क्या चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो हमें क्या चाहिए। हमें ये पता है कि फॉर जीरो ISI फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए बेटा, कॉन्स्टेंट होना चाहिए आफ्टर सैंपलिंग राइट। मगर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं बिफोर सैंपलिंग। तो अब क्या कर रहा हूं, आइडियल केस क्या था, आइडियल केस ये था कि हम लोग यहां पे रेक्टेंगल लेंगे, राइट। बट ये जो रेक्टेंगल है इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। ये क्या है आपका, ये है आपका -2/t से -1/2t, राइट। ये डिफिकल्ट है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ मगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट वन है कि नहीं। मगर हम रियल लाइफ में क्या करेंगे, हम रियल लाइफ में जो फिल्टर होगा वो ऐसा कुछ डिजाइन करेंगे। ये जो रेस कोसाइन पल्स है ना, रेस कोसाइन पल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा कुछ आ रहा है। हमें पढ़ना नहीं है रेस कोसाइन फिल्टर, मगर वो ऐसा कुछ आ रहा है। बोलिए हाँ कि ना, समझ रहे हो। जो रेस कोसाइन फिल्टर है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको ऐसा कुछ मिलेगा, बराबर है। और यहां पे अलग अलग वैल्यू होता है, अल्फा का अलग अलग वैल्यू होता है, हमें वहां नहीं जाना है। मगर यहां पे मुझे ये बताओ बेटा, मेरी बात सुन रहे हो, हाँ मेरी बात यहां पे सुन रहे हो, हाँ। सो द थिंग इज कि अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे कि ये जो है ये आइडियल केस है, बोलिए हाँ कि ना, फॉर जीरो ISI क्या ये आइडियल केस है, बताइए हाँ कि ना, क्या ये आइडियल केस है, बोलिए हाँ कि ना, हाँ। बट द थिंग इज ये कौन सा तरीका है, ये जो है वो है क्या है आपका प्रैक्टिकल तरीका है, जहां पे हम रेस्ड कोसाइन पल्स को यूज करेंगे, बोलिए हाँ कि ना, यहां पे हम रेस्ड कोसाइन पल्स को यूज करेंगे। सो दैट इससे क्या होगा, इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि जब हम फ्रीक्वेंसी के अंदर इसको रिपीट मारेंगे तो इन दोनों का एडिशन होके वो कॉन्स्टेंट वन हो जाएगा, बराबर है। डोंट गेट कंफ्यूज के साथ यहां अलियासिंग हो रहा है, ये हो रहा है, भाई होने दो ना, हमारा ये प्रोसेस सैंपलिंग है ही नहीं, हमारा ये कौन सा प्रोसेस है, हमें यहां पे सिग्नल को रिकवर करना है ISI, यहां हम ISI हटा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो, यहां हम ISI हटा रहे हैं, यहां नो नीड टू थिंक अबाउट कैसा सैंपलिंग के साथ यहां अलियासिंग हो रहा है, नहीं रे भाई, हमारा पर्पस अलग है यहां पे, समझ रहे हो मेरी बात यहां पे, हाँ हेलो। तो ये जो है आपका रेस्ट कोसाइन फिल्टर है, नो सॉरी, ये आपका रेस्ट कोसाइन पल्स है, और जो रेस्ट कोसाइन पल्स है इसको हम यूज करेंगे इन रियल लाइफ, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम था कि हम ऐसा वाला जो फिल्टर है ना, ऐसा वाला जो है वो बना नहीं पाएंगे, हम ये बनाएंगे। हाँ नेहा, ये पूरा प्रैक्टिकली जब आप सैंपल करोगे तो ये पूरा रिपीट होगा, मगर कौन से डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और ये सभी एड अप होके कांस्टेंट हो जाएगा। नेहा क्या क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं वो, मगर नो नीड टू थिंक अबाउट रेस कोसाइन फिल्टर, आज तक कुछ भी पूछा नहीं गया है फ्रॉम रेस कोसाइन फिल्टर, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम रेस कोसाइन फिल्टर जो आप ऐसे ही बना लोगे। क्वेश्चन जो है वो है रेस कोसाइन फिल्टर का, ये वाला जो आप ऐसे ही बना लोगे इवन विदाउट नोइंग रेस कोसाइन फिल्टर, हाँ ये होता है रेस कोसाइन पल्स। तो बताइए यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, हाँ तो सर वो लास्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल केस
हाँ नेहा, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाँ नेहा, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मगर मुझे ये बताओ नेहा, ये जो शार्प है ना, शार्प फिल्टर, क्या ये हम बना पाएंगे? हम नहीं बना पाएंगे। सो थियोरेटिकली वी कैन कंसिडर कि हाँ ये चल सकता है। अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या ये चलेगा फॉर 0 ISI, हाँ चलेगा। मगर क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये शार्प फिल्टर जो है ये बनाना पॉसिबल नहीं है। क्या समझ रहे हो ये चीज को? हाँ देखो, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं ये क्वेश्चन के बारे में, तो अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ आफ्टर सैम्पलिंग, तो पहले मुझे ये बताओ कि इसका स्पेक्ट्रम, ओके, ये मैं पूरा आपको ढंग से समझा देता हूँ क्वेश्चन। अगर मैं इसका पूरा स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ आफ्टर सैम्पलिंग, आपको ये बात समझना होगा कि हम ये बात करेंगे आफ्टर सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग के बाद ही आपका पूरा स्पेक्ट्रम पीरियोडिक होता है। आई होप ये बात तो आपको मालूम है। सो अगर हम ये स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अगर ये स्पेक्ट्रम के अंदर कर रहे हैं, तो ये पहला जो है ये है मेरा रेक्टेंगल, ये जो पहला है वो है मेरा रेक्टेंगल, और उसके बाद व्हाट वी हैव अ रैम। सो चलिए लेट मी ड्रॉ से रेक्टेंगल विद दिस ओनली। तो ये जो है वो रैम्प है हमारा, और फिर जो है हमारे पास ये है हमारे पास रैम्प। सो द थिंग इज, सपोज इट लुक समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और यहां भी ऐसा है। अब मुझे ये बताओ कि जब सैंपल करेंगे विथ 2000 विथ 2000 सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन? देन व्हाट वुड हैपन? क्या ये पूरा रिपीट होगा? हाँ, अब रिपीट कब होगा? नहीं, रिपीट होगा 200 पे, 2000 पे ना। हाँ तो अब मुझे बताओ, ये 2000 है तो ये 2000 से पीछे कितना जाएगा? यही पल्स, हाँ यही पल्स को, हाँ 1.2 पीछे जाएगा। तो वो कहाँ आएगा? 800 पे आएगा। हाँ, वो 800 पे आएगा, और 800 पे क्या होगा, ये डिक्रीजिंग आएगा ना स्लोप, ये ऐसा होगा। एक बार आप सोच के बताना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या अभी शेप ऐसा होगा? क्या अभी शेप ऐसा होगा? ले आई ट्राई टू ड्रॉ प्रॉपरली। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरे पास रैंप आ जाएगा फिर से, नॉट सॉरी रैंप कहा, फिर से रैक्ट आ जाएगा। ये पूरा रैक्ट होगा, और इसके बाद फिर से मेरे पास ये हो जाएगा। हाँ, बताइए क्या आप समझ रहे हो पूरा ये? हाँ नहीं, पूरा कांस्टेंट नहीं बोल, पूरा कांस्टेंट तो मैंने कब बोला, मैं बोल रहा हूं कि ये जो दिया है ना बेटा, P ऑफ F दे के रखा है, ये तो आपका कंटिन्यूअस पल्स का है, बिफोर सैंपलिंग है। तो अभी आपको ये सोचना था कि आफ्टर सैंपलिंग जब मैं इसको पीरियोडिक करूंगी, तब ये कांस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? क्योंकि हमें 0 ISI के लिए क्या चाहिए? हमें 0 ISI के लिए जो भी स्पेक्ट्रम, हाँ एग्जैक्टली, जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? तो क्या अब ये सबको क्लियर है? हाँ, तो क्या ये अब सबको क्लियर है जो मैं बात कर रहा हूं वो? आई नो थिंग्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, थिंग्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट मुझे ये बताओ कि हाँ हम धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करेंगे। मैं आपको इसको रिकॉल भी करवाता रहूंगा। तो मुझे ये बताइए, क्या ये चीजें आप लोग ग्रेस्प कर पा रहे हो? ये जो चीजें हैं क्या ग्रेस्प कर पा रहे हो? बिलीव मी बेटा, मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन में, पूरी इंडिया में ना कम्युनिकेशन अच्छा होता है मैक्सिमम 200 या 300 स्टूडेंट्स का। आपको बस उसी जोन में आना है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे हम कर रहे हैं उससे आप वो जोन में आ पाओगे? क्या आप सोच पा रहे हो अपने आप से ये किसका स्पेक्ट्रम है, ये किसका स्पेक्ट्रम है जब हम सैंपल करेंगे उसके बाद का है, राइट? तो अब ये में हो जाएगा ये पीरियोडिक, बराबर?
हाँ, क्या सोच पा रहे हो ना अपने आप से आप, लाइक जो पूरा प्रोसेस है, क्या ये सोच पा रहे हो अपने आप से कि हाँ क्या हो रहा है, इवन सैंपलिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है, क्यों वो कांस्टेंट होना चाहिए, नॉइस के लिए एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, ISI के लिए हमें स्पेक्ट्रम ऐसा चाहिए कि जो कांस्टेंट होगा, रेस कोसाइन फिल्टर जो है थोड़ा बहुत बता दिया मैंने आपको, अदरवाइज इतना काम का नहीं है। हाँ तो सर ए में 0 से 8, ओके 0.8 to 1.2, ए ऑप्शन के अंदर क्या होगा बेटा अभिषेक, ए के अंदर क्या हो रहा है? हाँ, बेटा 0.8 से 1.2 में अलग आएगा। हाँ इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आ रहा है ना, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा ही कुछ आएगा, तो ये नहीं चाहिए, ये गलत है। हाँ हर एक ऑप्शन के लिए आप लोग चेक कर लो ना, नहीं आएगा, एक एक भी के अंदर ऐसा नहीं आएगा। अभिषेक लिंगे, क्या मैं क्लियर हूँ? हाँ, ओके। और अभिषेक ये जो डाउट था ना वो कल का, वो अभी मैंने देखा ही नहीं है, मुझे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है, मैंने यहाँ भेजा है बच्चों को मगर वो लोग भी कर तो नहीं पा रहे हैं, मैं देखता हूँ सोचता हूँ कुछ उसके बारे में, आई थिंक वोल्टेज चाहिए कुछ तो चाहिए वहां पे, समथिंग इज मिसिंग ओवर देयर, या तो फिर देयर इज समथिंग जो हमें पता नहीं है, है ना अभिषेक? तो अगर सॉल्यूशन है तो मुझे भेज सकता है तू, मुझे डाउट है वहां पे कुछ मिसिंग लग रहा है मेरे को। ओके रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा है, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ क्वेश्चन में, सॉल्व करके देखता हूँ, है ना, मैं कल तबीयत ठीक नहीं था मेरा तो मैंने देखा नहीं है, मैं देखता हूँ आज, है ना। ओके सो रेज कोसाइन का यूज है सिर्फ क्योंकि हम उससे रियल लाइफ में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाँ ईशा, जो रेज कोसाइन है वो रियल लाइफ में हम लोग बना पाएंगे, और बेटा ईशा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वही एक सॉल्यूशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वही एक सॉल्यूशन है, देर आर न्यूमरस सॉल्यूशंस बट आई में से इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ईशा, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस कि जहां पे हम यूज करते कर सकते हैं रेस कोसाइन पल्स, और फिर क्या होगा बेटा जब हम करेंगे ना इसको पास करेंगे थ्रू लो पास फिल्टर या फिर ये कुछ, तो वहां यूज करेंगे रेस कोसाइन इवन फिल्टर। हाँ अभिषेक लिंगे, बैंड लिमिटेड नहीं बोल सकते, सिंक तो है वो तो ऑलरेडी बैंड लिमिटेड है ना अभिषेक? हाँ अभिषेक, सिंक तो ऑलरेडी बैंड लिमिटेड है, आई थिंक तू बोल रहा है टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंड है। हाँ अभिषेक हम बोल सकते हैं जो रेस कोसाइन है वो टाइम बाउंड है, हाँ टाइम बाउंड है। पृथ्वीराज सर रियलिटी में हम इम्पल्स की जगह पर पल्स यूज करते हैं इसलिए रेस्ट कोसाइन आया। हाँ बेटा पृथ्वीराज जो रेस कोसाइन है वो जो सिंक है, मुझे ये बताओ सिंक जो है ना वो भी अप्रोक्सीमेटली आपका इम्पल्स ही है, जो सिंक है ना वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली इम्पल्स ही है, वो एक टाइम इंस्टेंट पे मैक्सिमम है और बाकी हर जगह पे वो जीरो हो जाएगा, है ना? सो आई में से रेस्ट कोसाइन है या तो फिर आपका सिंक है, ये ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है, क्या रेस्ट कोसाइन सिंक इंटू रेक्ट? रेस्ट कोसाइन का एक अलग से डेफिनेशन है पृथ्वीराज, ये रहा, लाइक यहाँ पे अल्फा फैक्टर भी होता है, आई थिंक यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा होता है, कॉस ऑफ मे बी अल्फा टी ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे ये सिंक ही है मगर सिंक को इन लोगों ने बाउंड कर दिया है, सिंक को इन लोगों ने बाउंड कर दिया है, बाउंड किया कैसे किया है तो टाइम डोमेन में बहुत ही फटाफट से मार रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, मैंने पहले ही बताया आपको ये टाइम डोमेन में बहुत ही फटाफट से मार रहे हैं उसको, क्लियर है? जिससे क्या हो रहा है वो जल्दी मर रहा है, कंपेयर टू ऐसे स्लोली 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 मरना, अब वो एकदम फटाफट से मर के जीरो हो जाएगा। हाँ क्लियर है? इस क्वेश्चन में बस लिमिट निकालनी है। हाँ सुमित, ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा है मगर यहाँ पे आपको यूज करना था क्या एल हॉस्पिटल, ये क्वेश्चन गेट का आई में से कम्युनिकेशन का है ही नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो है आपका 0x0 फॉर्मेट आएगा, तो यू विल गो फॉर क्या, यू विल गो फॉर इसका से एल हॉस्पिटल, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे 4π है तो इसका मैक्सिमम 1/4W पे ही आएगा,
इसका मैक्सिमम भी 1/4W पे ही आएगा। तो बस वही चेक करना चाहता था गेट कि क्या आपको पता है कि नहीं पता है, बस और कुछ नहीं था। कुछ नहीं, ये जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं कल करते हैं और कल इसको रिवाइज भी करेंगे, नो नीड टू वरी, मैं रिवाइज भी कराऊंगा आपको। मैं क्या बोलता हूँ, क्या मैं ये क्वेश्चंस आपको दे सकता हूँ? ये सभी क्वेश्चंस मैच फिल्टर के ऊपर है। मैं काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, देयर 10 क्वेश्चंस, उसमें से एक तो हमने कर लिया है, उसमें से एक तो हमने कर लिया है, बाकी जो है 9 बचे हैं, देख लो मैं भेजता हूँ, नहीं होता है तो कल डिस्कस करेंगे और चालू करेंगे हमारा पासमैन कम्युनिकेशन, राइट? चलिए, क्लियर है आप सबको? मैं इसको कल से फिर से दोहराऊंगा, नो नीड टू वरी, एक बार रिकॉल करेंगे इसको पूरा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि क्या हम जा सकते हैं? हाँ, चलिए, आई होप क्लियर है आप सबको। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया है। नहीं भी आया है तो आप मुझे, हाँ सुमित, मैंने देखा नहीं कौन सा डाउट आपका। नहीं, बीजेटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है सुमित, इन केस ऑफ बीजेटी ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो सच कंडीशन फॉर बीजेटी सुमित। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो फॉरवर्ड बायस है और वो रिवर्स बायस है, ये सीधा बोल सकते हैं VBE, अगर VBE है, अगर वो लेस देन 0.7 है ना, तब वो ऑन हो जाएगा। आई थिंक सुमित, ये क्लियर है ना? अगर 0.7 से ज्यादा है तो वो ऑन हो जाएगा, है ना? अच्छा, ओके। चलिए बच्चा लोग, सो आई होप, अगर आपको डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या मुझे कॉल कीजिएगा, आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, है ना? चलिए, सी या, बाय बाय।